हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूँ रितेश पांडे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मेरे इस चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक नए मोटिवेशनल वीडियो के बारे में। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हैं तो आप सभी को इस वीडियो के नीचे एक रेड सब्सक्राइब बटन और एक बेल वाला आइकन भी दिख रहा होगा, तो अभी जाइए उन दोनों को प्रेस कर दीजिए और मेरे चैनल से कनेक्ट हो जाइए, ताकि आप मेरे आने वाले हर नए वीडियोज़ को आप देख सकें, उनसे कुछ सीख सकें, अपने लाइफ में ग्रोथ कर सकें और अपने जीवन में एक अच्छे व्यक्ति बन सकें। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का यह नया वीडियो। आज हम बात करेंगे एक नए मोटिवेशनल वीडियो के बारे में। और आज का जो हमारा जो टाइटल है, आज जो इस वीडियो का टाइटल वो है कि हमें 24 घंटे फोकस हमें अपने लाइफ के गोल पर करना चाहिए। मतलब 24 घंटे फोकस जो हमारे जीवन का गोल है, हमारा टारगेट है, उस पर हमें फोकस करना चाहिए। 24 घंटे फोकस हमारे जीवन के लक्ष्य पर, गोल पर, टारगेट पर, जो भी हम बनना चाहते हैं। तो यह हमारा आज का मेन, हमारा आज का जो इस वीडियो, आज की इस वीडियो का मेन थीम रहेगा। मतलब तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों हमारा आज का ये नया वीडियो। तो दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा कि आजकल के टाइम जो है काफ़ी मतलब भाग दौड़ का है। हर व्यक्ति अपने अपने लाइफ में बिजी है और हर व्यक्ति अपने जीवन को लेकर मतलब सीरियस है, जो भी वो अपनी लाइफ में बनना चाहता है। और इस वर्ल्ड के अंदर मतलब अलग अलग जो स्टेटस से बिलोंग करने वाले लोग हमें दिखाई देते हैं। मतलब कोई रिच फैमिली से बिलोंग करता है, कोई सिंपल फैमिली से बिलोंग करता है, कोई नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करता है, कोई मीडियम क्लास फैमिली से बिलोंग करता है। जो व्यक्ति रिच फैमिली से बिलोंग करता है, वो अपने जीवन के लक्ष्य को इजिली, जो भी उसके मतलब जो भी वो अपने लाइफ में प्राप्त करना चाहता है, उसके रिसोर्सेज संसाधन जो होते हैं, उसके पास सारी चीज़ें होती हैं, गाड़ी, बंगला और बैंक बैलेंस सभी कुछ होता है। लेकिन उसी दूसरे जब मीडियम क्लास से जो बंदे बिलोंग करते हैं, उनके पास भी सारी सुख सुविधाएँ होती हैं। मतलब घर होता है, गाड़ी भी होती है, मतलब वो, लेकिन उनके पास हर चीज़ एक लिमिटेड में होती है। मतलब कि वो उतने ज़्यादा रिच तो नहीं होते, लेकिन उनके फिर भी सारे संसाधन होते हैं। और तीसरी तरफ होते हैं, वो होते हैं नॉर्मल फैमिली या सिंपल फैमिली से बिलोंग करने वाले। ऐसे वो लोग होते हैं जो आपको आजकल जैसे सिटीज़ के अंदर, शहरों के अंदर, दूसरे गांव से आकर, जैसे दिल्ली के अंदर, मतलब जैसे गांव से आकर, जैसे यूपी, बिहार या उड़ीसा या झारखंड, जो वैसे राज्य हैं, मतलब वहाँ से आकर, वहाँ के गाँव से आकर यहाँ पर रहते हैं और अपनी फैमिली को संभालने की कोशिश करते हैं और उनके नीड्स को पूरी करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ पर उनको रोज़गार की तलाश में यहाँ पर आते हैं। तो क्या है, और फिर यहीं पर आकर वो बच जाते हैं और अपनी फैमिली की नीड्स को पूरी करते हैं। तो कहने का मतलब, हमारे आसपास इस तरीके के अलग अलग स्टेटस वाले लोग रहते हुए दिखाई देते हैं। तो इस वर्ल्ड के अंदर हम बात करते हैं, इस वर्ल्ड के अंदर जब कोई व्यक्ति पैदा होता है, मतलब, और पैदा होने के बाद वो चाहे किसी भी फैमिली से, मतलब चाहे वो रिच हो, मीडियम हो या नॉर्मल फैमिली हो, मतलब किसी फैमिली में पैदा होता है, तो पैदा होने के बाद मतलब जो उसका स्टार्टिंग का मतलब पहले 3 साल होते हैं, मतलब पैदा होते ही उसके बाद 3 साल होता है। मतलब उन 3 साल के अंदर वो पहले क्या करता है, वो खाना पीना सीखता है, वो चलना फिरना सीखता है, बोलना सीखता है, मतलब। तो पहले 1 से 3 साल तक वो यही चीज़ें, उन चीज़ों को करना सीखता है। लेकिन जैसे ही वो 3 साल कंप्लीट करता है और 14 साल में प्रवेश करता है, मतलब, तो 14 साल में प्रवेश करते ही उस बच्चे को, क्योंकि बोलने लगता है, चलने फिरने लगता है, चीज़ों को मतलब, और खाने पीने लगता है, मतलब दांत वगैरह निकल जाते हैं, तो मतलब, तो उसको स्कूल में डाल दिया जाता है। और जैसे आप सभी को पता ही होगा कि हमारे भारत देश में 2 तरह के स्कूल होते हैं। एक होता है गवर्नमेंट स्कूल, सरकारी स्कूल, जो कि पहली से स्टार्ट होता है और 5वीं तक होता है, पहली से प्राइमरी तक। फिर होता है 6ठी से लेकर 12th तक, जिसको हम सेकेंडरी स्कूल, और 6ठी से लेकर 12वीं तक, जिसको हम सीनियर सेकेंडरी स्कूल बोलते हैं। दूसरी तरह का स्कूल होता है प्राइवेट स्कूल, जो कि नर्सरी से स्टार्ट होता है, फिर KG, LKG, UKG, फर्स्ट, सेकेंड, ऐसे करते करते आगे की क्लासें हमारी होती हैं। तो उस बच्चे को क्लास में डाल दिया जाता है, मतलब। तो जब उस बच्चे को क्लास में डाल दिया जाता है, तो हर साल वो हर एक क्लास को अपने मेहनत लगन और फोकस करके, मतलब हर एक क्लास को पास करता हुआ रहता है और आगे बढ़ता हुआ रहता है। लेकिन जैसा ये कहा जाता है कि जो कोई भी बच्चा होता है या कोई व्यक्ति होता है, तो उसका स्टार्टिंग का जो एज होता है, तो 4 साल से लेकर, जब उसको स्कूल में डाल दिया जाता है, 4 साल से लेकर जो उसकी 13 साल तक की जो एज होती है, इस एज में वो जो बच्चा होता है, मतलब खास तौर पे, मतलब पढ़ाई तो वो करता है, ये मतलब, लेकिन ये जो टाइम होता है उसके लाइफ का, चाइल्डहुड का टाइम होता है, बचपन का समय होता है, तो पढ़ाई तो वो करता है, लेकिन ज़्यादातर उसका जो मतलब जो उसका मन होता है खेलने कूदने में, जो उसके हम उम्र के बच्चे होते हैं, चाहे उसकी क्लास के अंदर हो, चाहे उसके घर में हो, गली में हो, स्कूल में हो,
तो जहाँ पे उसके वो हम उम्र के बच्चे होते हैं उनके संग वो फ्रेंडशिप करना चाहता है, उनके संग खेलना चाहता है, जो उसके बचपन के गेम्स वगैरह होते हैं मतलब। और खेलते वक्त कई बार उसको चोट भी लगता है, धूल मिट्टी में कपड़े भी गंदे होते हैं, पर उसको कोई परवाह नहीं होती, उसको खेलने कूदने में ज़्यादा मज़ा आता है। लेकिन जैसे ही वो मतलब 13 साल कंप्लीट करके 14 साल में प्रवेश करता है, 14 ईयर में, तो उसमें प्रवेश करते हुए वो देखता है कि धीरे धीरे वो बाहर के चीज़ों को समझना शुरू कर देता है। मतलब वो देखता है कि मतलब मुझे कपड़े गंदे नहीं करने चाहिए, मुझे मतलब अपने आप को नीटन क्लियर रखना है, पढ़ाई पे फोकस करना है, और मैं कपड़े गंदे करूँगा तो टीचर मारेगा, मम्मी भी डांटेगी, क्योंकि कपड़े धोने में प्रॉब्लम वगैरह होती है, मतलब जो ज़्यादा गंदे कपड़े हो जाते हैं तो वो बाहर की चीज़ों को समझना शुरू करता है। वो ये भी देखता है कि जो उसके ग्रैंड पेरेंट्स हैं मतलब उसके दादाजी हो नाना जी हो, उन्होंने भी अपने टाइम में किसी न किसी फील्ड में अपना किसी न किसी फील्ड में करियर बना के आगे की पूरे लाइफ जी और अभी भी जी रहे हैं, और हमारे जो घर था अपने घर की नीड्स को पूरा किया। उस तरीके से उनके मेरे फादर भी वो भी किसी न किसी फील्ड में अपना करियर बना के आज वो किसी न कहीं पर जॉब कर रहे हैं, कहीं ना किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, और हमारी नीड्स को पूरी कर रहे हैं और घर को संभाल रहे हैं। तो वो भी ये भी देखता है कि आगे आकर मुझे भी किसी न किसी फील्ड में अपना करियर बनाना पड़ेगा। तो अब हम बात करते हैं कि जब आजकल हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है फील्ड, किसी भी फील्ड में करियर बनाने के लिए, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, टीचर, लेक्चर, प्रोफेसर, सॉन्ग्स राइटर, सिंगर, डांसर, और अगर आपकी बॉडी अच्छी है, आप हाइट वगैरह अच्छी है, तो आप आर्मी में जा सकते हैं। कई लोग जिम ट्रेनर, बॉडीगार्ड, सिक्योरिटी गार्ड, बहुत सारी चीज़ें मतलब आजकल हमारे पास अवेलेबल है किसी भी अलग अलग फील्ड के लिए। तो हम जो भी अपने लाइफ में बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें डिसाइड करना होगा कि हम अपने लाइफ में क्या बनना चाहते हैं, मतलब जो हमारे लाइफ का हमें किस मतलब हमें कौन किस चीज़ को करने में ज़्यादा मज़ा आता है। हमें मतलब फोटोग्राफी करने में मज़ा आता है, हमें सिंगिंग का शौक है, हमें डांस का शौक है, या हमें मतलब किसी सब्जेक्ट को समझ के उसको लेक्चर देने का मतलब उसको समझाने में ज़्यादा मज़ा आता है, जैसे आजकल बहुत सारे कोचिंग वाले भी करते हैं। तो पहले हमें उन चीज़ों को समझना होगा, उन चीज़ों को समझने के बाद जो भी हमें लगता है कि हमारे लिए बेस्ट है हमारे लाइफ का, उसके बाद हमें उस चीज़ पर पूरी फोकस करने चाहिए। मतलब जो हर व्यक्ति को उसके जीवन में 24 घंटे मिले हुए हैं मतलब, है ना, तो उस 24 घंटे के अंदर अगर वो स्टूडेंट है तो 7-8 घंटे की नींद भी लेता है, 8-9 घंटे स्कूल में भी रहता है, और बाकी के 7-8 घंटे होते हैं उसमें वो होमवर्क भी करता है, मतलब होमवर्क करता है, खेलता कूदता भी है, और दूसरी चीज़ खाता पीता है, और अपने आप को भी टाइम देता है। तो कहने का मतलब जब आप इस तरीके से आगे की जब क्लास में पहुंच जाते हैं, बड़ी क्लास में, और जब आपने आपको चीज़ें समझ में आने लगती हैं कि ये मुझे लाइफ में बनना है, ये मेरे को अपने लाइफ के अंदर करना है, तो उस टाइम आप समझ जाते हैं मतलब कि मुझे लाइफ में मेरा ये टारगेट है, या मैं अपने इस ड्रीम को अचीव करना चाहता हूँ। जो आपको जब आपको अपनी लाइफ का गोल पता चल जाता है मतलब, तो उस टाइम से आपको अपने जो 24 घंटे होते हैं उसको एक फोकस दिमाग पर रखना चाहिए कि मुझे अपने लाइफ में जो मैं बनना चाहता हूँ उस पर मुझे मतलब उसको मैं अचीव करना है किसी भी तरीके से, और लाइफ और 24 घंटे उसी के बारे में सोचना। अगर सो जाते हो तो 8-9 घंटे के बाद मतलब, तो जब अपने ड्रीम के प्रति ज़्यादा वो रहोगे मतलब एक फोकस्ड रहोगे, तो आपको आपके सपने में भी यही चीज़ दिखाई देगा कि आप उसको कैसे अचीव कर रहे हो मतलब, उस तरीके आप सपने भी आएंगे, और आपको धीरे धीरे राह भी दिखने लगेंगे, आपको पाथ भी दिखने लगेगा, और आप उसके ऊपर चलने भी लगोगे। क्योंकि जब आप ये क्लियर कर लेते हो कि मुझे अपने लाइफ में क्या बनना है, या मैं किसी अपने लाइफ के टारगेट को या गोल को अचीव करना चाहता हूँ, तब आपको मतलब इजी हो जाता है अपने उन जो आपको क्लियर हो जाता है, स्पष्ट हो जाता है जो भी अपना अपने लाइफ में बनना चाहते हैं, और जो भी और आपको उन जो भी आपके लाइफ का गोल है उनको आप 4-5 रूल्स को फॉलो करके आप प्राप्त कर सकते हो। लेकिन आपको फोकस 24 घंटे ही करने पड़ेंगे, सुबह उठते आपको दिमाग में रखना है कि मैं ऐसे कौन सी चीज़ करूँ कि जो मेरे ड्रीम है या मेरे लाइफ का गोल है उसके मैं और करीब आ जाऊँ, या उसमें मैं और बेटर हो जाऊँ मतलब। तो 4-5 चीज़ें मैं आपको टिप्स बताना चाहूँगी जिसको अगर आप फोकस करोगे और उसको फॉलो करोगे तो आप इजीली अपने लाइफ के गोल को अचीव कर सकते हो और फोकस करते हुए। तो पहला हमारा जो होता है कि जो भी आपके लाइफ का गोल है मतलब, या जो भी आपके लाइफ का ड्रीम है, आपको उस चीज़ को मतलब जो भी आपको उसके असाइनमेंट मिलते हैं, प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, या जो भी आपको उसमें वर्क दिया रहता है मतलब, अगर आप उसमें घुस गए हो पहचानने के बाद, तो आपको उस चीज़ को करने के लिए आपको पूरा फोकस करना पड़ेगा। जो पहला सीक्रेट है आपको उसके ऊपर बहुत ही फोकस करना पड़ेगा।
फोकस करोगे तो आप उसमें बेटर होते जाओगे। दूसरा जो है वो है आपको उसके ऊपर हार्डवर्क करना पड़ेगा, हार्डवर्क मतलब कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी उस चीज़ के ऊपर जो भी आप अपने लाइफ में प्राप्त करना चाहते हो। जो तीसरी है वो है आपको एफर्ट देना पड़ेगा, अपने पूरी पूरी कोशिश करनी पड़ेगी, 110% आपको अपना एफर्ट देना पड़ेगा। चौथी जो चीज़ है वो है आपको उसकी प्रैक्टिस बार बार करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करने से आप उसमें परफेक्ट हो पाओगे और आप जान पाओगे कि कितने परसेंट बेटर हो या नहीं हो। क्योंकि एक इंग्लिश में कहावत भी है जिसको हम कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस ही व्यक्ति को परफेक्ट बनाती है। और जो पांचवी चीज़ है वो ये है पेशेंस यानी धैर्य रखना। आपको जब भी आप अपने लाइफ में कुछ भी प्राप्त करना चाहते हो तो वो कोई एक महीने में एक साल में वो हर चीज़ हासिल नहीं होती है, वो लॉन्ग टर्म में हासिल होती है। जैसे अगर हम सिंगर बनना चाहते हैं तो आपको पहले 6-7 साल उसके ऊपर रियाज करना पड़ेगा, अलंकार आकार सरगम राग वगैरह को जानना पड़ेगा, ये चीज़ें एक महीने में नहीं होती हैं। मतलब या डांस की भी बात करें तो उसमें कई सारे मतलब अलग अलग उसमें स्टाइल्स होते हैं, बॉलीवुड फ्री स्टाइल हिप हॉप लॉलीपॉपिंग या स्लो मोशन आर्ट, और मतलब हर कुछ टाइम में एक नया उसमें पैटर्न आ जाता है, मतलब डांस का स्टाइल आ जाता है। इस तरीके से फोटोग्राफी की बात करें तो फोटोग्राफी के अंदर भी कैमरे में बहुत सारी सेटिंग होती है, मतलब एपर्चर हो गया, वाइट बैलेंस हो गया, शटर स्पीड हो गया, इनडोर आउटडोर की सेटिंग हो गई, बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर भी होती हैं। तो मतलब जो भी आप अपनी लाइफ बनना चाहते हो उसको आपको अचीव करने में टाइम लगेगा। आप सोचो मैं 2 महीने मेहनत कर लूँ और उस चीज़ को अचीव कर लूँ तो ये पॉसिबल नहीं है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। पेशेंस अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है, तो इसलिए मैं आपको बताया कि जो पाँचों चीज़ें वो है आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। जब आप पेशेंस रखोगे तो आपको मेहनत करने में, हार्डवर्क करने में, फोकस करने में, एफर्ट देने में और प्रैक्टिस करने में आपको ज़्यादा ईजी रहेगा। तो उस तरीके से आप 24 घंटे मतलब स्कूल में भी रहोगे तो आपको अपना लाइफ का या कॉलेज में भी हो तो आपको अपने लाइफ के बारे में हमेशा एक तत्पर रहोगे, आप फोकस में रहोगे। जब आप इन चीज़ों को पहचान पाओगे और फिर आप देखोगे कि धीरे धीरे आप जब इन रूल्स को फॉलो करते हो तो आप धीरे धीरे अपने लाइफ का जो आपका गोल है उसको आप धीरे धीरे अचीव कर लोगे और आपको खुद ही अपने अंदर इम्प्रूवमेंट फील आपको फील करने को दिखेगा, महसूस होगा आपको। तो ये थे मेरे दोस्तों आज का एक नया वीडियो कि आपको जब अपने आप अपने लाइफ के लक्ष्य को पहचान जाते हैं मुझे ये बनना है तो आपको उसके ऊपर 24 घंटे फोकस होकर आपको उसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा, उसके बारे में सोचना पड़ेगा। तो दोस्तों कैसा लगा आप मेरा आज का नया वीडियो, लाइक एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के हेलो दोस्तों एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं नितेश पांडे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक नई मोटिवेशनल वीडियो के बारे में, और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हैं तो आप सभी को इस वीडियो के नीचे एक रेड सब्सक्राइब बटन और बेल वाला आइकन भी दिख रहा होगा, अभी जाइए उन दोनों को प्रेस कर दीजिए और मेरे चैनल से कनेक्ट हो जाइए ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियोज आप देख सकें, उनसे कुछ सीख सकें, अपने लाइफ में ग्रोथ कर सकें और अपने जीवन में एक अच्छे व्यक्ति बन सकें। दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा आज का नया वीडियो। आज हम बात करेंगे एक नए मोटिवेशनल वीडियो के बारे में। तो आज का हमारा जो इस वीडियो का टाइटल है, जो थीम है, वो ये है कि माता पिता की हमेशा कहना मानो। मतलब जो भी वो आपको अपने जब लाइफ में जो आप मतलब आपको जो भी वो कहने को बोलते हैं, मतलब किसी प्रकार का काम हो, चाहे वो आपके लाइफ से रिलेटेड हो या बाहर के काम, घर के बाहर से काम से रिलेटेड हो, मतलब वो ए टू जेड जो भी आपको काम बोलते हैं मतलब उसको आपको करना चाहिए, उनके कहना मानना चाहिए। तो ये हमारा आज का एक हमारी आज की इस वीडियो का मेन टाइटल है कि माता पिता की हमेशा कहना मानो, क्योंकि वो कभी भी आपको कुछ समझाएंगे, बताएंगे, करने को बोलेंगे तो वो गलत नहीं होगा। जैसे कि मैं आपको पहले भी वीडियोस की में बता चुका हूँ कि लाइफ में 3 लोग ऐसे होते हैं मतलब जो कभी भी हमें गलत रास्ता नहीं दिखाते हैं, हमेशा हमारे बारे में अच्छी सोचते हैं, हमें अच्छे रास्ता दिखाते हैं। वो होते हैं पहला माता, दूसरा पिता और तीसरे गुरु। ये 3 लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा हमें लाइफ में अच्छे रास्ता दिखाते हैं, अच्छी चीज़ें बताते हैं, और कुछ भी हम गलत करते हैं तो हमें सतर्क करते हैं, साधन करते हैं, और उसको सही कैसे करना है, मतलब उससे हटना कैसे है और गलत चीज़ों को नहीं करना है और क्या क्या सही हो सकता है हमारी लाइफ के लिए, उसको वो अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, हमें बताते हैं, हमें गाइड भी करते हैं। मतलब तो जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि जब हम छोटे होते हैं, मतलब तो जैसे हमारे जो हमारे मतलब जैसे हमारे पिता होते हैं, हमारे फादर होते हैं, तो वो देखा होगा कि वो कहीं ना कहीं पे जो भी उनकी करेंट उनकी क्वालिफिकेशन है, जो जो भी उन्होंने पढ़ाई लिखाई की है या जो भी उनकी मतलब जो भी उनकी नॉलेज है उसके हिसाब से वो जॉब करते हैं कहीं ना कहीं पे, और जॉब करने के साथ साथ जो भी उनकी इनकम होती है उसके हिसाब से घर की नीड्स को पूरी करना और
और आपको अच्छे स्कूल में डालना, आपके खान पान का ध्यान रखना। जैसे कि कहा जाता है कि जो छोटे बच्चा होता है मतलब उसको डेली 1 गिलास दूध पीना चाहिए मतलब। तो आपको जो आपके डाइट से रिलेटेड हो मतलब, ताकि आप अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर सको, आपको किताबें दिलाना, अच्छे स्कूल में डालना, ट्यूशन लगवाना मतलब। वो सारी जिम्मेदारियाँ किसके ऊपर होती हैं मतलब, वो फादर के ऊपर ही होती हैं कि आपको वो अच्छी स्टडी दिला सके कहने का मतलब। और दूसरी तरफ जो आपकी मदर होती है, माता होती है, वो भी सुबह से लेकर शाम तक घर में अलग अलग तरह के काम होते हैं। जैसे अगर आप स्कूल पढ़ रहे हो तो आप सभी को पता ही होगा कि सुबह एक टाइम उठते हैं, ब्रेकफास्ट रेडी करना, उसके साथ साथ मतलब जैसे कि अगर मतलब जैसे आपके फादर हैं तो वो उनके हस्बैंड हुए, तो उनके लिए ब्रेकफास्ट रेडी करना, लंच पैक करना मतलब। फिर सुबह उठते ही मतलब जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, दादा दादी नाना नानी मतलब दादा दादी, उनके लिए नाश्ता तैयार करना। उसके बाद फिर जैसे ही सब लोग चले जाते हैं अपने जगह पर, जॉब के लिए, ऑफिस के लिए, स्कूल के लिए, उसके बाद फिर बर्तन वगैरह धोना, फिर दोपहर के खाने में लग जाना, फिर थोड़ा सा रेस्ट किया, उसके फिर रात के खाने में लग जाना। मतलब जो प्रायोर लाइफ जो जो मदर होती है, उनके लाइफ का जो चक्कर होता है मतलब, तो वो एक सर्कल में चलता रहता है। और ख़ास तौर पर जैसे कि आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जैसे आजकल के टाइम में तो जैसे जो नॉर्मल क्लास की सिंपल फैमिली से जो लोग बिलोंग करते हैं, जैसे कि दिल्ली जैसी सिटी में, तो जो पेरेंट्स होते हैं मतलब, तो घर में क्या होता है कि दादा दादी नाना नानी है मतलब, वो तो रहते हैं मतलब। और जो मतलब मदर फादर दोनों ही जॉब करते हैं, क्योंकि दोनों कम पढ़े लिखे होते हैं, तो मदर हो सकता है कहीं पर प्राइवेट जॉब कर रही हो, क्योंकि एक की इनकम से घर की सारी नीड्स पूरी नहीं हो सकते। और ख़ासतौर पर अगर आपको वो देखते हैं कि हम बच्चों को अच्छा पढ़ाई लिखाई नहीं करा सकते, एक की इनकम काफ़ी अधिक नहीं है, क्योंकि आपकी क्वालिफिकेशन उतनी, आपके माता पिता अगर पढ़े लिखे अंदर ज़्यादा नहीं है, तो इनकम भी जाहिर सी बात है ज़्यादा नहीं होगी मतलब। तो वो लोग जॉब वगैरह करके वो ये यही कोशिश करते हैं कि हम घर की नीड्स को सारी की सारी पूरी कर सकें। वो जो आप जो अपने उनकी खुशियाँ होती हैं मतलब, उन्हें छोटे छोटे जैसे वो कपड़े भी नहीं खरीदते हैं त्योहारों पर मतलब। वो सोचते हैं कि क्योंकि वो देखते हैं कि आजकल के टाइम में जो एजुकेशन है काफ़ी महंगी हो चुकी है। जैसे कि गवर्नमेंट स्कूल में तो चलो पढ़ाई होती ही है, लेकिन ज़्यादातर जो पेरेंट्स होते हैं कोशिश करते हैं कि जो प्राइवेट स्कूल की पढ़ाई होती है, क्योंकि देखते हैं कि प्राइवेट स्कूल के बच्चों तो इंग्लिश बोलने लगते हैं, वहाँ पर तो कंप्यूटर सिखाया जाता है, वहाँ पर अच्छे बड़े बड़े पढ़े लिखे टीचर आते हैं वगैरह वगैरह। तो सोचते हैं कि हमारे जो पेरेंट्स हैं मतलब, सॉरी हमारे जो बच्चे हैं मतलब, वो भी प्राइवेट स्कूल में पढ़े और अच्छी पढ़ाई लिखाई करके लाइफ में अच्छे बन सके। तो वो अपने जो खुशियाँ होती हैं या जो उनकी छोटे छोटे जिसमें वो देखते हैं, कपड़े खरीदने हो गए, त्योहारों पे कपड़े नहीं खरीदते, लेकिन आपको जरूर कपड़े दिलाते हैं मतलब, ताकि आप कपड़े पहनकर खुश हो सको मतलब। वो साइकिल होता है, या आपको कोई खिलौना वगैरह चाहिए होता है, आपकी किताबें होती हैं, आपकी कॉपियाँ होती हैं, आपकी ज्योमेट्री बॉक्स होती है, या आपको अपने बैग होता है मतलब, या कहीं स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में क्या होता है कि पिकनिक वगैरह पर जाना होता है, तो आपको हर चीज़ के लिए फंड इकट्ठा करके आपकी उस कोशिश मतलब उस खुशियों को पूरा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो अपनी खुशियों का वो उतना ख्याल नहीं रखते हैं कहने का मतलब। तो मैं इस वीडियो के थ्रू यही आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब आपके पेरेंट्स आपके लिए इतना ज़्यादा इतने आपका ध्यान रखते हैं, आपकी हर नीड्स को पूरी करने की कोशिश करते हैं कहने का मतलब, तो आपका ही फर्ज बनता है कि जो उनके प्रति वो जो भी मतलब जो भी, अगर आप सिंसियर हो जाते हैं, जब 13-14 साल के हो जाते हैं, तो जाहिर सी बात है आप अगर आप 13-14 साल या 15 साल के हो रखे हो मतलब, तो आपके पेरेंट्स भी लगभग लगभग 40 साल के आसपास होंगे ही मतलब। तो आप कहने मतलब, वो जो भी आपको काम करने को बोलते हैं मतलब, चाहे वो घर से रिलेटेड हो मतलब, जैसे घर का रिलेटेड मतलब, आप बड़े हो रहते हैं मतलब, तो जैसे कमीज की दुकान से कुछ लाना है, या परचून की दुकान से कुछ लाना है, या बाहर से कोई चीज़ लेके आना है, सब्जियां वगैरह है ना, या घर में कोई काम हो गया मतलब, जैसे पानी वगैरह भरना है मतलब, या कुछ भी काम होता है, दादा दादी को दवाइयाँ देनी है मतलब, तो जो भी वो काम कहने को बोलते हैं मतलब, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी इतने काम, पापा जाते हैं जॉब पर, तो रात को उनको आना है मतलब। कई सारे जो डिस्प्लिन होता है, कई घरों में तो लेडीज भी, यानी जो मदर होती है, वो भी काम पर जाती हैं मतलब। और कई जगह कई लेडीज हाउस वाइफ भी होती हैं, जो घर में ही सारे काम करती हैं। और घर में भी जैसे मैंने बताया, बहुत सारे ऑलरेडी काम होते हैं करने के लिए, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी स्टार्टिंग में बता चुका हूँ। तो आपको देखना कि आपके पेरेंट्स काम करके आते हैं या घर में काम करते हैं, वो कितने ऑलरेडी थके हुए होते हैं। तो घर में जो दूसरे काम होते हैं, जिसमें आप जैसे अगर आप लड़की हो, आप 13-14 साल के हो गए मतलब, तो जैसे कि बर्तन वगैरह हो गया, या कपड़े वगैरह हो गए, या क्लीनिंग वगैरह हो गया, ये सब छोटे छोटे काम में आपको अपनी मदर का हाथ बटाना चाहिए। और देखना चाहिए कि आपकी मदर जब वो मतलब
आपको खुद ही दिख जाएगा कि वो जब काम करते करते थक जाते हैं तो कुछ टाइम वो बेड पर बैठ जाएंगी या किसी चेयर पर बैठ जाएंगी या सीढ़ी पर बैठ जाएंगे मतलब, तो आपको उनके मतलब पैर दबाने चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए मतलब, और कोशिश करना चाहिए कि वो भी एक दो घंटे का रेस्ट ले सके और आप धीरे धीरे उनके काम आप उनके कामों में आपको अपने हाथ बटाने की कोशिश करनी चाहिए मतलब। क्योंकि हर व्यक्ति जैसे हम तो अभी क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि 40 साल के बाद ऐसा कहा जाता है कि जो महिलाएं होती हैं खासतौर पे 30 साल के बाद जो बॉडी होती है उसमें आयरन की कमी होने लगती है मतलब, क्योंकि 30 साल के बाद जो होती है आपकी यंग एज ख़त्म हो जाती है मतलब ऐसा, तो 35 साल के बाद 35 साल के बाद जो होती है आपकी मिडल एज स्टार्ट हो जाती है और उसमें उसके बाद क्या होता है कि आयरन की कमी काफ़ी तेज़ी से होने लगती है और जब आयरन की कमी होगी तो शरीर काफ़ी तेज़ी से थकने लगता है कहने का मतलब। तो जब आपकी मदर 40 साल की है मतलब और फिर वो दिन भर इतना सारा काम करती है मतलब, तो आपको भी उनके बारे में सोचना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि वो भी रेस्ट लें, वो भी मतलब उनको मतलब उनको जो भी उनका काम होता है उसमें आप उनकी हेल्प कर सकें। और पेरेंट्स का जैसे बताया कि जैसे आपका वो ध्यान मतलब पेरेंट आपका ध्यान रखते हैं कि आपने टाइम पर खाना खाया है कि नहीं, आपने ब्रेकफास्ट किया कि नहीं, आपने अपना पढ़ाई होमवर्क किया कि नहीं मतलब, वो आपकी हर छोटी छोटी खुशियों का भी ध्यान रखते हैं। स्कूल की तरफ से जो पिकनिक जाता है उसके लिए वो आपको पैसे भी देते हैं और पॉकेट मनी भी देते हैं कहने का मतलब। तो ऐसे ही जब वो भी मतलब उनका भी जो भी काम होता है मतलब, और धीरे धीरे जब आप आगे बढ़ोगे तो आपको अभी आप छोटे हो या आप स्टडी कर रहे हो तो आप पेरेंट्स अपने आपको मतलब सभी प्रकार की खुशियाँ देना चाहते हैं, आपको अच्छा बनाना चाहते हैं। लेकिन जब आप 25-30 साल के हो गए और आप पेरेंट्स उस टाइम ओल्ड हो जाएंगे मतलब, तो उस टाइम आपका ड्यूटी होगा, आपका कर्तव्य होगा कि आप अपने जो आपके पेरेंट्स हैं उनको आप संभालें, उनकी केयर करें और उनकी नीड्स हैं उनकी नीड्स को आप पूरी करें दोस्तों को। क्योंकि जब हम छोटे थे हम बच्चे थे तो उन्होंने अपने छोटी छोटी खुशियों को दबाकर उसको अपने उसको हटाकर मतलब उस पर ध्यान ना देते हुए हमारी नीड्स को पूरा किया, हमें किताबें दिलाया, हमें अच्छी स्टडी दिलाया, हमारे खान पान का ध्यान रखा, हमें अपने कपड़े दिलाया, हमें पिकनिक पर जाने के लिए पैसे दिए मतलब। तो इस तरीके अब हम तो हमें उन्होंने हमसे क्या उम्मीद की, यही उम्मीद की कि हम आगे जाकर एक अच्छे अपने लाइफ में एक अच्छे व्यक्ति बन सकें और अच्छी एक लाइफ जी सकें मतलब। जो परेशानियाँ उन्होंने अपने लाइफ में जी हम उन परेशानियों को लाइफ में फेस ना करें, तो आपको उनके उम्मीदों पे खरा उतरना है और जो भी वो आपसे उम्मीद कर रहे हैं आपको उस उम्मीद पे खरा उतरना है और आगे जाकर आप उनकी उनको सभी प्रकार का मतलब उनका अच्छे से केयर कर सकें। और जो भी फिर जब वो बूढ़े होंगे या जब तो उनकी आप नीड्स का ख्याल रख सकें, उनका केयर कर सकें और उनकी सेवा कर सकें। और चाहे आप छोटे हों या आगे जाकर आपके पेरेंट्स बूढ़े क्यों ना हो जाए, वो जो भी काम बोलते हैं या जो भी करने के बोलते हैं आपको उनका हमेशा कहना मानना ही चाहिए। और एक अच्छी आदत आपको डालनी चाहिए सुबह उठकर पेरेंट्स के पैरों को छूकर उनसे ब्लेसिंग लेने की और जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनसे भी ब्लेसिंग लेने की। दोस्तों ये था मेरा आज का एक नया वीडियो कि आपको अपने पेरेंट्स का हमेशा कहना मानना चाहिए और मैंने कई सारी चीज़ें भी आपको बताई। कैसा लगा आप सभी मेरा आज का नया वीडियो लाइक एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर डियर फ्रेंड्स। हेलो दोस्तों एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर, मैं हूं नितेश पांडे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक नए मोटिवेशनल वीडियो के बारे में। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हैं तो आप सभी को मेरे इस चैनल के नीचे एक रेड सब्सक्राइब बटन और एक बेल आइकन भी दिख रहा होगा, अभी जाइए उन दोनों को प्रेस कर दीजिए और मेरे चैनल से कनेक्ट हो जाइए ताकि मैं आने वाले हर नए वीडियोज़ को आप देख सकें, उनसे कुछ सीख सकें, अपने लाइफ में ग्रोथ कर सकें और अपने जीवन में एक अच्छे व्यक्ति बन सके। दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारे आज का यह नया वीडियो। आज हम बात करेंगे जीवन के अंदर अच्छा सोचो अच्छा बनो। तो हमारा जो आज का टाइटल है इस वीडियो का वो है जीवन में अच्छा सोचो और अच्छा बनो। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा आज का यह नया वीडियो। दोस्तों आप सभी को पता ही होगा कि आजकल के टाइम में जो हमारा वर्ल्ड है मतलब वर्ल्ड में अलग अलग तरह के लोग रहते हैं जो अलग अलग तरह के काम करते हैं, जैसे कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई साइंटिस्ट है, कोई फोटोग्राफर है, कोई एक्टर है, कोई डायरेक्टर है, कोई सिंगर है, कोई सॉन्ग्स राइटर है मतलब। और सबके अलग अलग ड्रीम्स है, अलग अलग पैशन है और अलग अलग लाइफ के वर्क है और अलग अलग लाइफ के मतलब जो भी वो काम कर रहे हैं कहने मतलब। और इस
वर्ल्ड के अंदर अलग अलग स्टेटस से बिलोंग करने वाले हमें लोग भी देखते हैं। कोई रिच फैमिली से बिलोंग करता है, कोई सिंपल फैमिली से बिलोंग करता है, कोई मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है। जहाँ रिच फैमिली के पास सारे सुख सुविधाएँ होती हैं, बंगला होता है, बैंक बैलेंस होता है, गाड़ियाँ होती है, एक से बढ़कर एक, वो जो चाहता है वो इजीली खरीद सकता है। मतलब अच्छे से वहाँ उनके जो बच्चे होते हैं रिच फैमिली से बिलोंग, अच्छे अच्छे स्कूल, बड़े हाई फाई स्कूल में पढ़ते हैं। दूसरी तरफ जो मिडिल क्लास में देखते हैं तो उनके पास भी घर होता है, मतलब बड़ा तो नहीं लेकिन उनका अपना घर होता है, गाड़ियाँ भी होती हैं। लेकिन तीसरी जो वो भी अपने अच्छे से लाइफ जी रहे होते हैं। और लेकिन तीसरी पे आते हैं सिंपल फैमिली से बिलोंग करने वाले या नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करने वाले। ये वो लोग होते हैं जो रोजगार की तलाश में, मतलब आपने देखा ही होगा, मतलब कि जो यूपी, बिहार, झारखंड, उड़ीसा से, मतलब सिटीज़ वगैरह में रहते हैं, दिल्ली जैसी सिटियों में आकर रहते हैं और रोजगार की तलाश में यहाँ पर रहते हैं और यहीं पर जॉब करते हुए जो उनकी उनके घर के नीड्स होते हैं। कई लोग फैमिली के साथ रहते हैं, कई लोग बैचलर भी रहते हैं, क्योंकि महंगी सिटी में रहकर मतलब घर की नीड्स को पूरी करने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, मतलब इनकम के हिसाब से। तो वो काम तो यहाँ करते हैं लेकिन पैसे अपने घर पर ही भेज दिया करते हैं, मतलब। तो और फिर वो जॉब करने भी जाते हैं, कईयों के पास गाड़ियाँ नहीं होती है, मतलब सुबह बस पकड़ते हैं, ऑटो पकड़ के जहाँ पे वो जॉब पर जाते हैं, जहाँ पर वो काम करते हैं वहाँ पर जाते हैं। कईयों के पास साइकिल होती है, मतलब तो साइकिल पर बैठकर मतलब अपने जॉब पर, जहाँ पर भी वो काम करते हैं उस स्थान पर जाते हैं जॉब करने के लिए, और वहीं पर जॉब करते हुए फिर जो उनकी घर की नीड्स होती है उनको पूरा करते हैं, फुलफ़िल करते हैं, मतलब और उनके अपने घर के नीड्स, अपने घर के जिम्मेदारियों को संभालते हैं और उसको पूरा करते हैं। लेकिन हम इस तो वहीं हम ये भी देखते हैं कि मतलब कि जो मतलब इस वर्ल्ड के अंदर, मतलब जैसे जब कोई बच्चा पैदा होता है, मतलब चाहे वो किसी भी, मतलब चाहे वो किसी भी मतलब स्टेटस वाले फैमिली में क्यों ना पैदा होता हो, चाहे वो रिच फैमिली हो, चाहे वो सिंपल फैमिली हो या मिडिल क्लास फैमिली हो, जब वो बच्चा पैदा होता है मतलब, तो पैदा होने के बाद जो उसकी जो स्टेज होती है, मतलब 1 से 3 साल तक की जो स्टेज होती है, इस एज के टाइम, मतलब 3 साल के टाइम जो बीच का होता है, इस एज में वो जो बच्चा होता है मतलब वो खेलना, मतलब उसको क्या बोलते हैं, वो खाना पीना सीखता है, बोलना सीखता है, चलना फिरना सीखता है, मतलब क्योंकि न्यू बॉर्न बेबी होता है कहने का मतलब। उसके बाद जैसे ही वो 14 साल में प्रवेश करता है मतलब, तो उसे स्कूल में डाल दिया जाता है। जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि हमारे भारत जैसे देश में 2 तरह के स्कूल होते हैं। पहला होता है गवर्नमेंट स्कूल, जो कि पहली से स्टार्ट होता है और 5वीं तक होता है, देन 6ठी से लेकर 10वीं तक जिसको हम सेकेंडरी स्कूल बोलते हैं, और दूसरा तरह का होता है और 6ठी से लेकर 12वीं तक जिसको हम सीनियर सेकेंडरी होते हैं। और सेकेंड टाइप का स्कूल होता है वो होता है प्राइवेट स्कूल, जो कि नर्सरी से स्टार्ट होता है, फिर KG, LKG, UKG, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे करते हुए आगे क्लासें होती हैं। तो कहना है कि मतलब जब वो बच्चा चौथे साल में प्रवेश करता है, तो उसे स्कूल में डाल दिया जाता है। स्कूल में डालने के बाद हर साल वो बच्चा हर क्लास को अपने मेहनत लगा, परिश्रम, हार्ड वर्क से स्टडी करते हुए पास करते हुए आगे की क्लास को पूरा मतलब पास करते हुए आगे बढ़ने लगता है मतलब। लेकिन ऐसा माना जाता है कि जो किसी भी बच्चे के लिए जो 4 साल से लेकर तो 13 साल तक की एज होती है, वो चाइल्डहुड का टाइम होता है, बचपन का टाइम होता है कहने का मतलब। इस एज में बच्चा पढ़ाई तो करता है ये कहने का मतलब खासतौर, लेकिन ज़्यादातर जो उसका जो मन होता है ना पढ़ाई लिखाई तो करता है, लेकिन ज़्यादातर उसका जो मन होता है खेलने कूदने पर, जो उसके हम उम्र के बच्चे होते हैं मतलब, चाहे उसे गली में हो, क्लास में हो, स्कूल में हो, या घर के अंदर फैमिली से भी कभी कभी मामा के, चाचा के, ताऊ के, या बुआ के, फूफा के, मतलब जो बच्चे होते हैं उनके हम उम्र के बच्चे होते हैं, उनके साथ खेलने कूदने में उसको ज़्यादा मज़ा आता है मतलब। तो खेलने कूदने में कई बार उसको चोट भी लगती है, कई बार गिरता भी है, थोड़ी देर के रोता भी, लेकिन फिर से वापस वो पुराने वाली कंडीशन में आ जाता है और फिर से खेलने कूदना स्टार्ट कर देता है कहने का मतलब। तो इस तरीके से वो मतलब जैसे बताया 4 से 13 साल तक उसका यही चलता रहता है। लेकिन जैसे ही वो 14 ईयर में प्रवेश करता है, 14वें साल में प्रवेश करता है कहने का मतलब, तो धीरे धीरे वो बाहर की चीज़ों को समझना शुरू कर देता है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, मुझे अच्छे से पढ़ाई लिखाई करनी है, मुझे कपड़े गंदे नहीं करने, मैडम मैडम मारेगी, और जो क्लास टीचर वही मारेगी, और मम्मी को कपड़े धुलने में प्रॉब्लम होगी, जब कपड़े में धूल मिट्टी लगेगी तो वो भी डांटेंगे कहने का मतलब, और मुझे अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ बनना है, क्योंकि वो देखता है कि जो उसके
ग्रैंड पेरेंट्स है, मतलब दादा जी या नाना जी, उन्होंने भी अगर अगर किसी ना किसी फील्ड में अपना करियर बनाया और अपने घर की नीड्स को पूरा किया किसी ना किसी जगह पर जॉब करते हुए या कोई बिजनेस करते हुए, उस तरीके से लोग के फादर भी हैं वो भी किसी ना किसी फील्ड में करियर बना के आज कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं या कोई ना कोई बिजनेस कर रहे हैं। आगे आकर मुझे भी किसी ना किसी फील्ड में अपना करियर बनाना पड़ेगा और आगे मुझे भी अपने जो अपने लाइफ के बारे में मतलब कुछ सोचना पड़ेगा जो भी उसको बनना है। तो आप सभी को पता ही होगा कि आजकल हमारे पास कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, मतलब किसी भी फील्ड में करियर बनाने के लिए, डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, लेक्चर, प्रोफेसर, टीचर, फोटोग्राफर, डांसर, सिंगर, सॉन्ग्स राइटर, अच्छी बॉडी या अच्छे आपके हेल्थ हाइट वगैरह, तो लोग आर्मी में भर्ती हो जाते हैं, जिम ट्रेनर, बॉडी गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड वगैरह कई सारे हमारे पास आजकल ऑप्शन अवेलेबल, बैंक मैनेजर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, बहुत सारे हमारे पास आजकल ऑप्शन अवेलेबल है। तो आपको यही देखना है कि आप जो भी अपने लाइफ का में आपका जो भी आपके लाइफ का गोल है या ड्रीम है, मतलब तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि आप सब आपको पता है कि जो भी फील्ड है एक अच्छा फील्ड है, मतलब लेकिन आपको देखना है कि आपका इंटरेस्ट कौन से फील्ड में, आपको किस चीज़ को करने में ज़्यादा मज़ा आता है। तो यहाँ पर यहाँ बात करेंगे, मतलब कि जीवन में आपको अच्छा सोचना है और अच्छा बनना है, क्योंकि जो आप अच्छा सोचोगे अपने लाइफ में बनने के लिए और जो आप वो बनोगे, मतलब उसी के आधार पर आप अपने आगे अगर आपकी भी मैरिज होगी और आपकी भी फैमिली आगे बढ़ेगी तो आप उसी के आधार पर आपको जॉब मिलेगी या आप उसी के आधार पर बिजनेस भी कर पाओगे, आप अपनी घर की नीड्स को पूरी कर पाओगे, घर को सपोर्ट कर पाओगे और अपनी जिम्मेदारियों को समझ पाओगे, कहने का मतलब तो जब आपकी अच्छी इनकम होगी तभी आप आगे आकर अपने घर को अच्छा सपोर्ट कर सकते हो। उसके लिए फिर करना क्या है कि आपको अच्छे जो फील्ड्स हैं वगैरह, मतलब जिसमें आपका इंटरेस्ट लेवल ज़्यादा अच्छा हो, ऊँचा हो, मतलब उसको आपको डिसाइड करना है, उसके बारे में बनना है और उसी के बारे में आपको सोचना है। तो कहने मतलब आपको अच्छे किसी फील्ड को चूज़ करना जिसमें आपका इंटरेस्ट लेवल ज़्यादा हो और फिर उसी पर स्टार्ट कर देना है वर्क करना। मतलब तो जैसे कि कोई भी लाइफ का मान लो ड्रीम होता है या गोल होता है वो इजीली अचीव नहीं कर सकते, इसमें आपको मतलब थोड़ा टाइम लगेगा उसको अचीव करने के लिए और चार पांच में आपको टिप्स भी दूंगा जिनको अगर फोकस करके उन चीज़ों को उसके बॉस पे आप वर्क करना स्टार्ट करोगे, मतलब तो आप इजीली लाइफ में उस चीज़ों को अचीव कर सकते हो। तो पहला है हार्डवर्क, आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा, जो भी आप अच्छा सोचते हुए जो भी आपने लाइफ के बारे में डिसाइड कर रहे हैं मुझे यह बनना है तो उसके लिए आपको अपना हार्डवर्क करना पड़ेगा उस चीज़ के ऊपर, आपको सेकेंड फोकस करना पड़ेगा, तीसरा आपको उसके ऊपर पूरा पूरा एफर्ट देना पड़ेगा 100%, चौथा आपको उसके बारे में अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करने के बाद आप जान पाओगे कि आप उसको कितने अच्छे से कर पा रहे हो या कितने परसेंट आप ओके हो या नहीं हो, क्योंकि कहना जाता है ना कि प्रैक्टिस ही व्यक्ति को परफेक्ट बनाती है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, मतलब तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। और पांचवी और लास्ट जो चीज़ है वो है पेशेंस, यानी आपको धैर्य रखना है, क्योंकि धैर्य कोई भी जैसे ने बताया कि आपने अच्छे से सोचते हुए आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे लाइफ में ये मुझे सिंगर बनना है, डांसर बनना है, फोटोग्राफर बनना है या लेक्चरर बनना है या जो भी बनना है, आपको आपने अच्छा डिसाइड किया क्योंकि इस सब में अच्छा स्कोप है, मतलब तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी और जो मैंने अभी चार पाँच चीज़ें बताई हैं, हार्डवर्क, फोकस, एफर्ट, पेशेंस और प्रैक्टिस, इन चार पाँच चीज़ों को जो आप अपने लाइफ में रखोगे और उसके ऊपर इंप्लीमेंट करोगे, उसके ऊपर लागू करोगे, मतलब जो भी आप बनना चाहते हो तो धीरे धीरे आप देखोगे कि जो भी आप अपने लाइफ में बनना चाहते हो धीरे धीरे आप उस चीज़ को अचीव कर पा रहे हो। अगर आप अचीव करने लगोगे धीरे धीरे आपको कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ने लगेगा और आपको एक अच्छा फील होने लगेगा, पॉजिटिव फील होने लगेगा, कहने का मतलब। तो दोस्तों ये थे मेरा आज का एक नया वीडियो कि आपको अपने जीवन के अंदर अच्छा सोचते हुए अच्छा बनना है, अच्छा सोचो और अच्छा बनो, जीवन के अंदर अच्छा सोचो और अच्छा बनो, तो ये चीज़ को अपने लाइफ में ध्यान रखना है और अपने लाइफ में एक अच्छा व्यक्ति बनना है। कैसा लगा आप सभी को मेरा आज का यह नया वीडियो, लाइक एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर डियर फ्रेंड्स। हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर, मैं हूं नितेश पांडे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल पर। आज हम बात करेंगे नए मोटिवेशनल वीडियो के बारे में और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हैं, आप सभी को मेरे इस वीडियो के नीचे एक रेड सब्सक्राइब बटन और एक बेल वाला आइकन भी दिखना होगा, अभी जाए उन दोनों को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियोज़ को आप देख सकें, उनसे कुछ सीख सकें, लाइफ में ग्रोथ कर सकें और अपने जीवन में अच्छे व्यक्ति बन सके मेरे चैनल से कनेक्ट होने के बाद। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों हमारा आज का नया वीडियो। आज हम बात करेंगे
एक नए मोटिवेशनल वीडियो के बारे में। और जो हमारा आज का थीम है, जो इस वीडियो का मेन आज का टाइटल होगा, वो ये होगा कि आप कभी भी अपने आप को कमज़ोर मत समझो। मतलब तो अपने आप को कभी भी किसी भी लाइफ का जो आपके गोल है उसको प्राप्त करने के लिए मैं सोचूँ कि मेरे लिए नहीं बना हुआ है। तो यही हमारा आज का कि आप अपने आप को कभी भी कमज़ोर मत समझो, कहने का मतलब हमारा आज का ये मेन इस वीडियो का टाइटल है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये नया वीडियो। तो दोस्तों आप सभी को पता ही होगा कि मतलब आजकल के टाइम में जो हमारा वर्ल्ड है, मतलब वर्ल्ड में अलग अलग टाइप के लोग रहते हैं, अलग अलग सबके मतलब अपने अलग अलग मतलब अलग अलग जो काम करते हैं, अलग अलग कोई स्टूडेंट है, कोई जॉब करता है, कोई बिजनेस करता है, कोई मतलब हर व्यक्ति का अपना अलग अलग अपने लाइफ में बिजी अपने अपने काम को लेकर। और जो हमारा वर्ल्ड भी है, मतलब जो विश्व है वो भी, इसके अंदर भी अलग अलग स्टेट से बिलोंग करने वाले लोग रहते हैं। कोई रिच फैमिली से बिलोंग करता है, कोई मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, कोई सिंपल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है। मतलब तो आप देखते हैं कि जो जो व्यक्ति रिच फैमिली से बिलोंग करता है उसके पास सारे फैसिलिटीज है, सारे सुख सुविधाएँ, वो जो भी चाहता है इजीली उसको खरीद सकता है। मतलब जो संसाधन होते हैं, मतलब गाड़ी बंगला या जो भी चीज़ वो चाहता है, इस तरीके से। तो मिडिल क्लास फैमिली होती है, उसके पास अपने घर होता है और गाड़ी वगैरह भी होती है, मतलब और वो भी अपना अच्छे से लाइफ जीता है। लेकिन जो नीचे की आते हैं, नॉर्मल फैमिली या सिंपल फैमिली से, तो ऐसे लोग वो होते हैं जो डेली जाके जॉब करते हैं, मतलब और उनके पास घर हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। जैसे दिल्ली जैसे सिटी में, और यूपी से, बिहार से, झारखंड या उड़ीसा से लोग रोजगार की तलाश में आते हैं और यहाँ पर रेंट पे रहते हैं। सुबह के टाइम बस पकड़ के, ऑटो पकड़ कर या साइकिल पे भी जाते हैं कईयों के पास होती है, और वो अपने और जॉब करते हुए अपने घर की जो नीड्स होते हैं, फैमिली को संभालते हैं और अपने घर की नीड्स को, ज़रूरतों को पूरी करते हैं हर महीने जॉब करके। तो उनकी लाइफ काफ़ी स्ट्रगल वाली होती है। तो कहने का मतलब इस वर्ल्ड के अंदर ऐसे अलग अलग तरह के लोग होते हैं, मतलब जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो इस वर्ल्ड के अंदर जब कोई बच्चा, मतलब छोटा बच्चा पैदा होता है, चाहे वो किसी भी फैमिली से क्यों ना बिलोंग करता हो, चाहे वो किसी भी फैमिली में क्यों ना पैदा हो, मतलब तो पैदा होते ही जो उसका एक से मतलब तीन साल तक का जो टाइम होता है, मतलब इस जो ये जो समय होता है, ये जो पीरियड होता है तीन साल का, मतलब इस एज में क्योंकि बच्चा छोटा होता है, न्यू बॉर्न होता है, मतलब तो इस एज में मतलब वो बच्चा होता है खेलना कूदना चलना फिरना और खाना खाना सीखता है, क्योंकि उसके दांत वगैरह नहीं निकले होते हैं। मतलब तो ये जो तीन साल का जो टाइम होता है, एक तीन साल तक में यही चीज़ें वो करता है। और जैसे वो छोटे साल में प्रवेश करता है, तो उसे स्टडी करने के लिए मतलब वो स्कूल में डाल दिया जाता है। और स्कूल जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि हमारे भारत देश में दो तरह के स्कूल होते हैं, एक होता है गवर्नमेंट सरकारी स्कूल जो कि पहली से लेकर पाँचवीं यानी फर्स्ट से प्राइमरी तक, फिर छठी से लेकर दसवीं तक जिसको हम सेकेंडरी, या छठी से लेकर बारहवीं तक जिसको हम सीनियर सेकेंडरी बोलते हैं। उसके अलावा दूसरा होता है प्राइवेट स्कूल जो कि केजी से नर्सरी से स्टार्ट होता है, सॉरी फिर नर्सरी केजी एलकेजी यूकेजी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे करते हुए आगे ट्वेल्थ तक, फिर आगे कॉलेज होती है, फिर कॉलेज के बाद फिर मास्टर डिग्री भी होती है। मतलब तो इस तरीके से आगे की वो मतलब आगे क्लासें होती है। जब तो कहते हैं मतलब उस बच्चे को जब वो चार साल का होता है, तो उसे स्कूल में डाल दिया जाता है। स्कूल में डालने के बाद वो बच्चा हर साल मतलब अपने मेहनत लगन से मतलब हर क्लास को पास करता हुआ रहता है और आगे बढ़ता रहता है हर क्लास के अंदर। और लेकिन उसको स्कूल में तो पढ़ता है, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि जो चार साल से लेकर तेरह साल तक की जो एज होती है, वो होती है किसी व्यक्ति के लिए मतलब बच्चे के लिए वो चाइल्डहुड का टाइम होता है, बचपन का टाइम होता है। तो इस टाइम में जो बच्चा होता है उसको ज़्यादातर मतलब पढ़ाई तो वो करता ही है, लेकिन ज़्यादातर उसको खेलने कूदने में, जो उसके हम उम्र के बच्चे होते हैं, चाहे वो उसी क्लास में हो, स्कूल में हो, गली में हो, या उसके घर में क्यों ना हो, मतलब फैमिली के अंदर, तो उनके साथ वो खेलने कूदने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है और वो उसको मज़ा भी आता है। मतलब तो चाहे खेलते कूदते हुए उसे कपड़े क्यों ना गंदे हो, धूल मिट्टी क्यों ना लग रही हो, और कभी कभी खेलते चोट भी लग जाती है, मतलब लेकिन वो थोड़ी देर तक रोता है या दुखी होता है, उसके फिर से वो पुराने वाले मोड में आकर फिर से खेलना कूदना स्टार्ट कर देता है। तो मतलब तेरह साल तक के एज तक उस बच्चे को खेलने कूदने में ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन जैसे ही चौदहवें साल में यानी फोर्टीन ईयर में प्रवेश करता है, तो धीरे धीरे वो लाइफ बारी चीज़ों को समझना शुरू कर देता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, मुझे कपड़े गंदे नहीं करने चाहिए, मुझे अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए, मुझे नीट एंड क्लीन दिखना चाहिए, वरना टीचर मारेगी, मम्मी भी मारेगी, क्योंकि अगर कपड़े गंदे हो जाएंगे तो मम्मी डांटेगी, उनको कपड़े धोने में प्रॉब्लम होगी। तो वो
अच्छा क्या है, बुरा क्या है, और क्या सही है क्या गलत है, और मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या मेरे फेवर में या नहीं है, वो उन चीज़ों को बाहर से मतलब उन चीज़ों को समझना शुरू कर देता है मतलब। तो वो ये भी देखता है कि जो उसके फैमिली में के ग्रैंड पेरेंट्स थे, दादाजी थे या नाना जी थे, मतलब उन्होंने अपनी लाइफ में किसी न किसी फील्ड में करियर बना के फिर कहीं ना कहीं पर जॉब किया या बिजनेस किया और हमारे घर को संभाला, घर की नीड्स को पूरी की। हमारे जो उसके फादर भी हैं मतलब वो भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी फील्ड में करियर बना के आज वो कहीं ना कहीं पर जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं मतलब, और घर की नीड्स को, जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। तो उसको भी आगे जाकर मतलब तो खुद को भी आगे जाकर किसी ना किसी फील्ड में अपना करियर बनाना पड़ेगा कहने मतलब। तो वो उसको तो पता ही होता है, फिर वो देखता है कि मैं किस फील्ड में करियर बनाऊँ, क्योंकि आजकल हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है मतलब किसी भी फील्ड में करियर बनाने के लिए, चाहे वो फोटोग्राफी हो, डांसिंग हो, डांसिंग हो, सिंगिंग हो, एक्टिंग हो, टीचर, प्रोफेसर, लेक्चरर, और क्या बोलते हैं, तो अगर बॉडी अच्छी हो या हाइट वगैरह अच्छी, तो लोग आर्मी में भर्ती हो जाते हैं, सिक्योरिटी गार्ड, बॉडी गार्ड, जिम ट्रेनर, और बहुत सारी चीज़ें आजकल अवेलेबल है हम मतलब जिसको हम अपने आप को बना सकते हैं। तो कई जो वैसे बंदे होते हैं मतलब जो जैसे होता है कि नॉर्मल फैमिली, सिंपल फैमिली से बिलोंग करते हैं मतलब, तो उनको लगता है कि हम ये तो बनना चाहते हैं, जैसे हम डांसर बनना चाहते हैं या फोटोग्राफर बनना चाहते हैं या कहीं किसी चीज़ किस जो थोड़ा बड़ा लगता है उनको वो बनना चाहते हैं, तो लेकिन वो उसको अचीव कैसे करेंगे, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं है, ट्यूशन लगाने पड़ेंगे, या जैसे डॉक्टर इंजीनियर साइंटिस्ट होते हैं उनके जो पढ़ाई से काफ़ी हाई फाई होती है, बहुत पैसे लगाने पड़ते हैं। तो आप सभी को बता दो कि मतलब जैसे आजकल आप जो अपने लाइफ में बनना चाहते हो वो बन सकते हो, क्योंकि अगर आप अच्छे से मेहनत करोगे, आजकल कई सारी स्कीम्स भी होती हैं स्कॉलरशिप की, आप अगर अच्छे 90% से ऊपर लेके आते हो तो उस बच्चे को स्कॉलरशिप मिलता है आगे की पढ़ाई को पूरी करने के लिए, लेकिन मेहनत तो आपको ही करनी पड़ेगी कहने मतलब। तो आप जो भी बनना चाहते हो आप उस अपने लाइफ में बन सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, और आप अपने आप को इस यहाँ पर इस लेवल पर आप अपने आप को कमज़ोर मत समझो कि मैं वीक हूँ या मैं नॉर्मल फैमिली, सिंपल फैमिली से बिलोंग करता हूँ, लेकिन दिमाग आपके पास भी वही बॉडी है मतलब वही आँखें वही कान है, तो आप और सबको बराबर बनाया, 24 घंटे सबको दिया हुआ है भगवान ने। हाँ ये कि कोई रिच फैमिली में पैदा होता है, कोई मीडियम क्लास, कोई सिंपल या नॉर्मल फैमिली में पैदा होता है, लेकिन दिमाग, बुद्धि, शरीर सबको एक जैसा बनाकर दिया हुआ है, रंग रूप अलग अलग होता है, लेकिन बुद्धि सबको एक ही एक तरह से भगवान ने दिया होता है, आपको उसको यूज़ करने की ज़रूरत है मतलब। तो आप जो भी अपने लाइफ में बनना चाहते हैं, अगर आप आइडेंटिफाई कर चुके हैं कि ये चीज़ मुझे बनना है लेकिन वो काफ़ी टफ है, तो पैसा लगेगा या मैं उसको अचीव कैसे करूँगा मतलब, तो मैंने बताया कि आजकल बहुत सारे स्कॉलरशिप भी होते हैं, कई लोग अगर आप अच्छे अपने आप को इम्प्रूव करते हैं, कई लोग ऐसे भी आपकी हेल्प कर देते हैं कि चलो उसको और आगे की तरह मोटिवेट करके आगे इसको लाइफ में बढ़ने दिया जाए मतलब। जैसे क्लास में कई बंदे हैं अगर जो मगर नॉर्मल या सिंपल फैमिली से बिलोंग करता है लेकिन पढ़ने में टैलेंट होता है, तो कई सारे जो लोग होते हैं जो थोड़े मतलब जो हाई स्टेटस से बिलोंग करते हैं वो भी आपको सपोर्ट करेंगे मतलब, और आगे बढ़ने में आपकी मदद करेंगे, लेकिन मेहनत तो आपको ही करनी पड़ेगी। तो जो भी आपके लाइफ का ड्रीम है या गोल है उसको अगर आप 4-5 रूल्स को फॉलो करो तो आप इतनी उसको अचीव भी कर लोगे, और आप उसमें जो भी आप नंबर लाना चाहते हो 80-90% आप लेके आओ तभी आपको स्कॉलरशिप वगैरह मिल सकती है। वो अलग अलग स्कूलों में उनके अलग अलग हिसाब से होती है, या गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से होती है, किसी को 80-90% भी मिलती है या जो भी होता है, वो आपको आगे बहुत सारे गूगल है, यूट्यूब पे आपके बारे में सर्च कर सकते हैं, लोगों से जो बड़े बुजुर्ग होते हैं या जो बड़े लेवल पर होते हैं उनसे आप इसके बारे में जान सकते हैं। तो आपको आपको सबसे बड़े जरूरी आपको उसको हार्डवर्क करने की ज़रूरत है, पहला हार्डवर्क आपको करना पड़ेगा, जो भी आपको अपने लाइफ का गोल है उसके आपको एफर्ट देना पड़ेगा अपना पूरा आपको उसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा। तीसरी चीज़ है आपको उस चीज़ के बारे में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी जो भी आपके लाइफ का गोल है, और पांचवी चीज़ आपको पेशेंस रखना पड़ेगा यानी आपको धैर्य रखना पड़ेगा। तो इन 4-5 चीज़ों को आप अगर फॉलो करोगे और अपने आपको ये मत समझोगे कि मैं इस चीज़ को अचीव नहीं कर सकता, तो आप देखोगे कि धीरे धीरे आप में इम्प्रूवमेंट्स आ रहे हैं, जो भी आप अपने लाइफ में प्राप्त करना चाह रहे हो वो आप धीरे धीरे प्राप्त भी करोगे, क्योंकि आपको लोग सपोर्ट करने लगेंगे, आपको देखेंगे ये बंदा पढ़ने में चैलेंज है, इसको और आगे मतलब आगे बढ़ने में इसकी हेल्प की जाए मतलब, और आप देखोगे धीरे धीरे आप अपने लाइफ का जो आपका लाइफ का गोल है या टारगेट है, जो भी आप अपने लाइफ बनना चाहते हो उसको आप प्राप्त कर लोगे मतलब। लेकिन आपको अपने आपको किसी फील्ड में अपने आपको बनाने से पहले ये नहीं समझना कि मैं इसको अचीव नहीं कर सकता, मैं अपने आप को कमज़ोर नहीं समझना नहीं चाहिए कि मैं कमज़ोर हूँ या मैं नॉर्मल सिंपल फैमिली से बिलोंग करता हूँ तो मैं नहीं कर सकता, आप कर सकते हो, एनीबॉडी कैन अचीव एनीथिंग इन हिज लाइफ मतलब। तो आप कुछ भी अपने लाइफ में अचीव कर सकते हो। तो
तो कैसा लगा आपको मेरा आज का नया वीडियो, लाइक एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर डियर फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, हाय नितेश, और एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूँ नितेश पांडे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मेरे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक नए मोटिवेशनल वीडियो के बारे में। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो आप सभी को मेरे इस वीडियो के नीचे एक रेड सब्सक्राइब बटन और एक बेल वाला आइकन भी दिख रहा होगा, तो अभी जाइए उन दोनों को प्रेस कर दीजिए और मेरे चैनल से कनेक्ट हो जाइए, ताकि मैं आने वाले हर नए वीडियोज़ को आप देख सकें, उनसे कुछ सीख सकें, अपने लाइफ में ग्रोथ कर सकें और अपने जीवन में एक अच्छे व्यक्ति बन सके। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये नया वीडियो। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अपने आपको अपने जीवन में जो आपका जो इरादा जो भी आपका इंटेंशन, अपने जीवन में अपने इरादे को हमेशा मजबूत रखो, अपने इरादे को हमेशा मजबूत रखो अपने जीवन के अंदर, जो भी आप अपने लाइफ में बनना चाहते हो। मतलब तो ये हमारा आज का मेन टाइटल है कि अपने जीवन में अपने इरादे को हमेशा मजबूत रखो, स्ट्रांग रखो। मतलब तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों हमारा आज का ये नया वीडियो। दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा कि आजकल का जो टाइम है, आजकल का जो समय है, इस विश्व के अंदर मतलब बहुत ही भागदौड़ भरा हुआ है। और जो हमारा वर्ल्ड के अंदर जो टेक्नोलॉजी काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ कर रही है, काफ़ी तेज़ी से मतलब हमारा विश्व बदलता हुआ जा रहा है। मतलब प्राचीन समय से लेकर आज के आधुनिक समय में हर चीज़ अपडेटेड होती जा रही है, मॉडर्न होती जा रही है और आधुनिक होती जा रही है कहने का मतलब। और हर व्यक्ति अपने अपने आप में अपने काम को लेकर काफ़ी कभी काफ़ी स्ट्रेस है, या कोई किसी को अपने मतलब किसी को पढ़ाई का स्ट्रेस है, किसी को जॉब का स्ट्रेस है, किसी को बिजनेस का स्ट्रेस है, किसी को अपने अपने कुछ भी हो सकता है कहने का मतलब। और इस वर्ल्ड के अंदर आप सब ने देखा होगा कि मतलब अलग अलग मतलब अलग अलग जैसे स्टेटस से बिलोंग करने वाले लोग हमें देखने को मिलते हैं। एक तरफ हम रिच फैमिलीज़ को देखते हैं, मतलब जो काफ़ी हाई प्रोफाइल होते हैं, उनके पास सारी सुख सुविधाएं होती हैं, बड़े बड़े घर होते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती हैं, अच्छे अच्छे कॉलोनियों में रहते हैं कहने का मतलब। और वो जो चाहते हैं वो उस चीज़ को इजीली खरीद सकते हैं कहने का मतलब, और उनके लाइफ बहुत अच्छी होती है कहने का मतलब। और बिजनेस करते हैं खासतौर पर, ज़्यादातर किसी के अंडर में काम नहीं करते, मतलब वो मालिक होते हैं कहने वाले। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मतलब मीडियम क्लास से बिलोंग करने वाले, उनके पास अपने घर होते हैं, बड़े नहीं लेकिन होते हैं अपने जरूर, गाड़ियाँ वगैरह भी होते हैं, वो भी एजुकेट मतलब अच्छे पढ़े लिखे होते हैं। अब हम तीसरे लोग की बात करते हैं, वो होते हैं नॉर्मल फैमिली या सिंपल फैमिली से बिलोंग करने वाले। ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है, जैसे कि आप सब देख सकते हो कि आजकल के मतलब जैसे जो गाँव से मतलब जैसे यूपी बिहार झारखंड या उड़ीसा से जो गाँव वाले लोग होते हैं, वो शहरों में जैसे दिल्ली में या दूसरी बड़ी सिटीज में जाके रोजगार की तलाश में रहने लगते हैं, और वहीं से फिर जॉब करते हैं, अपने घर की यूनिट्स को पूरी करते हैं, संभालते हैं। और कई लोग बैचलर के रूम में भी रहते हैं मतलब, और घर वापस अपने घरों में पैसे भेजते हैं शहर में रहते हुए मतलब। और उनके पास कईयों के पास गाड़ियाँ नहीं होती तो वो ऑटो पकड़ के बस पकड़ के जाते हैं, कईयों के पास साइकिल होती है तो साइकिल से अपने ऑफिस जाते हैं जहाँ पर भी वो काम करते हैं कहने का मतलब। तो इस तरीके से वो अपना अपना उनका लाइफ डेली रूटीन चलता रहता है। लेकिन इस वर्ल्ड के अंदर जब कोई बच्चा, अब हम बात करें कोई बच्चा जब पैदा होता है मतलब, चाहे वो किसी भी मतलब किसी भी स्टेटस में क्यों ना पैदा हो, चाहे वो रिच फैमिली हो, सिंपल हो, मीडियम क्लास हो या नॉर्मल हो मतलब, तो जब वो बच्चा पैदा होता है मतलब, तो ऐसा खड़ा देखिए पैदा होने के मतलब जो स्टार्टिंग के जो पहले 3 साल होते हैं, क्योंकि न्यू बॉर्न बेबी होता है मतलब, तो उस टाइम में जो बच्चा होता है खासतौर पर वो चलना फिरना सीखता है, अपने पैरों पर बोलना सीखता है क्योंकि वर्ड्स उसने क्लियर नहीं होते मतलब, और चीज़ों को खाना सीखता है क्योंकि उसके दांत वगैरह निकलते हैं मतलब, खाना जब दांत वगैरह निकलते हैं तो खाना खाते हुए चबाना सीखता है उनको मतलब। तो 3 साल तक तो वही यही चीज़ें करता है, लेकिन 4थे साल में जब वो प्रवेश करता है थोड़ा बहुत समझदार हो जाता है, चलने फिरने लगता है मतलब, तो उसको स्कूल में डाल दिया जाता है। तो आप सभी को पता ही होगा कि हमारे भारत जैसे देश में 2 तरह का स्कूल होता है, पहला होता है गवर्नमेंट स्कूल यानी सरकारी स्कूल, जो कि पहली से स्टार्ट होकर 5वीं तक, उसके बाद 6ठे से लेकर 10वीं तक जिसको हम सेकेंडरी स्कूल, या 6ठे से लेकर 12वीं तक होता है जिसको हम सीनियर सेकेंडरी स्कूल बोलते हैं। दूसरी तरह का स्कूल होता है, वो होता है प्राइवेट स्कूल, जो कि स्टार्ट होता है नर्सरी से, फिर KG, फिर LKG, फिर UKG, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ऐसे करते हुए 12th तक, उसके बाद फिर
तीन साल का ग्रेजुएशन होता है, फिर दो साल का पोस्ट ग्रेजुएशन भी होता है, वो आपकी स्टडी पे डिपेंड करता है कि आप कहाँ तक पढ़ना चाहते हो, इस तरीके से पढ़ाई होती है। तो उस बच्चे को स्कूल में डाल दिया रहता है, तो वो जो बच्चा होता है हर साल हर क्लास को मतलब अपनी मेहनत लगन परिश्रम से पास करते हुए आगे की क्लास में बढ़ता हुआ रहता है और आगे की क्लास को पास करता है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो बता रहा हूँ कि जो चाहे कोई भी बच्चा क्यों ना हो, जो 4 साल से लेकर 13 साल तक की जो स्टेज होता है किसी बच्चे के लिए, वो चाइल्डहुड का टाइम होता है, यानी बचपन का टाइम होता है। इस एज में बच्चा मतलब पढ़ाई लिखाई तो करता है, लेकिन ज़्यादातर जो उसका मन होता है, जैसे स्कूल से घर पर आते ही वो कि हम उम्र के बच्चे होते हैं, मतलब गली में होते हैं, क्लास में हो या स्कूल में हो, या तो घर में ही क्यों ना हो, मामा का लड़का हो गया, बुआ के बच्चे हो गए या चाचा के बच्चे हो गए, मतलब तो जो भी उसके हम उम्र के मतलब उसको दिखता है, उसके संग वो दोस्ती करता है, उसके संग खेलता कूदता है मतलब, और खेलने कूदने में ज़्यादा उसको मज़ा आता है मतलब। तो खेलते कूदते कई बार उसको चोट भी लगती है और कपड़े भी गंदे होते हैं, धूल मिट्टी भी लगती है, लेकिन चोट भी लगती है तो कुछ टाइम के लिए वो सैड होता है, रोता है, लेकिन वापस वो फिर से खेलने कूदने के मूड में आता है, फिर से खेलने कूदना शुरू कर देता है। तो ऐसे 13 साल तक चलता है, लेकिन जैसे वो 14 साल में प्रवेश करता है, धीरे धीरे वो बाहर की चीज़ों को समझना शुरू कर देता है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, मुझे कपड़े गंदे नहीं करना चाहिए, मुझे नीट एंड क्लीन दिखना है, क्योंकि अगर मैं कपड़े गंदे करूँगा तो मम्मी मारेगी, मैडम भी मारेगी, टीचर भी मारेगी और डांटेंगे भी मतलब, और मम्मी को कपड़े धोने प्रॉब्लम भी होगी, कपड़े जब गंदे हो जाते हैं धूल मिट्टी में तो उनको धोने में काफ़ी ज़्यादा कठिनाई होती है कहने में। तो वो बाहर चीज़ों को समझने लगता है, वो यह भी देखता है कि उसके ग्रैंड पेरेंट्स से मतलब जो जैसे दादाजी हो गए नानाजी हो गए, उन्होंने अपने टाइम में जाकर मतलब जो उनका टाइम था तो उन्होंने किसी ना किसी फील्ड में करियर बनाया और फिर कहीं ना कहीं जॉब करते हुए बिजनेस करते हुए घर को संभाला, घर की नीड्स को पूरी की, और उन फादर को देखता है वो भी किसी ना किसी फील्ड में करियर बना के और वो कहीं ना कहीं पर जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, हमारी जरूरतों को पूरा कर रहे हैं, हमारे घर को संभाल रहे हैं, तो उसे भी आगे आकर किसी ना किसी फील्ड में करियर बना के अपने आप को उसमें वो करना पड़ेगा, अपने आप को ढालना पड़ेगा उस फील्ड के अंदर। तो वो देखता है कि आजकल हमारे पास जैसे कि आजकल कई सारे फील्ड मतलब कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल, डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, बैंक मैनेजर और सिंगर, डांसर, एक्टर और अच्छी बॉडी वगैरह होती है तो लोग आर्मी में चले जाते हैं, जिम ट्रेनर, बॉडी गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड और भी बहुत सारे हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है, हर ऑप्शन अच्छा है, लेकिन आपका जरूरी है आपका उसमें इंटरेस्ट होना, आपका उसमें दिलचस्पी होना कहने का मतलब। तो आप बनना तो चाहते हैं बट जो आपका जो एक दिमाग काफ़ी एक वो है, वीक सा है, मतलब कि मैं मतलब बनना तो मैं ये चाहता हूँ बट क्या मैं उसे अचीव कर सकता हूँ क्या, क्योंकि वो उसमें काफ़ी सारे स्टेप्स होंगे, काफ़ी हार्डवर्क होगा, काफ़ी ज़्यादा वो चीज़ें करनी पड़ेंगी, तो क्या मैं उसको अचीव कर सकता हूँ। तो यहीं पर हम बात करेंगे आपके इरादे की, जो आपका इरादा है, जो भी आप लाइफ में बनना चाहते हो, जो भी आपका इंटेंशन है आपने लाइफ में बनने का, मतलब आप उस चीज़ को अचीव कर सकते हो, आप उस चीज़ को, उस गोल को लाइफ में प्राप्त कर सकते हो। ज़रूरत है तो आपको अपने इंटेंशन को, अपने इरादे को मतलब मजबूत रखने का, स्ट्रॉन्ग रखने का, और आपको बस 4-5 रूल्स को फॉलो करना होगा, जिनको अगर आप फॉलो करोगे तो जो भी आपके अपने लाइफ का गोल है या टारगेट है, जो भी आपका इरादा है बनने का मतलब, उसको आप इजीली अचीव कर पाओगे। तो जैसे पहला मैं आपको बताऊँ तो वो है मतलब पहला जो है वो है आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा, जो भी आपके अपने लाइफ का गोल है या जो भी आपका इरादा है बनने का, उसके लिए आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा उस चीज़ के ऊपर। दूसरा जो है आपको उसके ऊपर पूरा पूरा फोकस करना पड़ेगा, आपको अपना पूरा पूरा कॉन्सेंट्रेट यानी फोकस होकर उस चीज़ को करना पड़ेगा। तीसरा जो है आपको अपना 100% उस चीज़ पर एफर्ट देना पड़ेगा, पूरी पूरी कोशिश करनी पड़ेगी। चौथा आपको उस चीज़ की बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि प्रैक्टिस करोगे तभी आप जान पाओगे कि आप उस चीज़ में कितने परसेंट अच्छे हो या कितने परसेंट ओके हो या नहीं हो, फिर जितने परसेंट आप ओके नहीं हो और उस चीज़ के प्रैक्टिस करो कहने मतलब, प्रैक्टिस से ही आप अपने आप को जान पाओगे कि आप कितने परफेक्ट हो चुके हो, क्योंकि बोलते हैं ना इंग्लिश में कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस ही व्यक्ति को परफेक्ट बनाती है किसी भी काम के अंदर। और जो फिफ्थ एंड लास्ट थिंग है वो है पेशेंस यानी धैर्य रखना, जैसा कि मैंने बताया कि जो भी आप अपने लाइफ का इरादा बना चुके हो कि मैं ये बनना चाहता हूँ डॉक्टर या फोटोग्राफर या डांसर या सिंगर, तो हर चीज़ में टाइम लगता है और कोई भी चीज़ रातों रात या कुछ महीनों में नहीं बन सकते क्या नहीं, मतलब आपको उस चीज़ को टाइम देना पड़ेगा। तो आपको उस चीज़ में पेशेंस रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा, धैर्य रखोगे आप उस चीज़ को बार बार करोगे, फोकस, हार्डवर्क, प्रैक्टिस, पेशेंस और फोकस करते हुए, तो आप देखोगे कि धीरे धीरे आपका जो
स्ट्रॉन्ग इंटेंशन है, जो आपका मजबूत इरादा है जो बनने का लाइफ में, आपको उसमें धीरे धीरे इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, रिजल्ट भी आपको मिल रहा है, और जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल आपका आगे बढ़ने लगेगा और आपको अच्छा फील होगा, हैप्पी फील होगा, और आप काफ़ी आगे फिर प्रसन्न भी होगे, मतलब हैप्पी रहोगे, क्योंकि आपको रिजल्ट दिखने लगेगा, वो भी पॉजिटिव रिजल्ट दिखने लगेगा। तो इस तरीके से आपको आपके लाइफ का जो भी आपका इरादा है लाइफ में बनने का, आपको उन 4-5 रूल्स को फॉलो करते हुए, अपने इरादे को स्ट्रॉन्ग करते हुए कि मैं उसको अचीव कर सकता हूँ, मैं बन सकता हूँ, मैं जो भी अपनी लाइफ को मेरा ड्रीम, आई कैन अचीव दैट माई ड्रीम्स एंड इट इज़ पॉसिबल बाय माई एफर्ट, हार्डवर्क, पेशेंस, प्रैक्टिस एंड फोकस। तो आप इन 4-5 चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे आप धीरे धीरे जो भी आपका स्ट्रॉन्ग आपका जो इंटेंशन है, इरादा जो भी आपके बनने का, आपको एक नए दिन अपने लाइफ में जरूर अचीव करेंगे। तो दोस्तों कैसे लगा आपको मेरा आज का ये नया वीडियो, कि आपको अपना इरादे को हमेशा मजबूत रखना चाहिए जीवन के अंदर, कैसे लगा आप सभी को मेरा आज का ये नया वीडियो, लाइक एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर डियर फ्रेंड्स। हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर, मैं हूं नितेश पांडे, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक नए मोटिवेशनल वीडियो के बारे में, और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हैं तो आप सभी को मेरे इस चैनल के नीचे एक रेड सब्सक्राइब बटन और एक बेल आइकन भी दिख रहा होगा, अभी जाइए वो दोनों को प्रेस कर दीजिए और मेरे चैनल से कनेक्ट हो जाइए, ताकि मैं आने वाले हर नए वीडियोज़ आप देख सकें, उनसे कुछ सीख सकें, अपने लाइफ में ग्रोथ कर सकें और अपने जीवन में एक अच्छे व्यक्ति बन सकें। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा आज का नया वीडियो। आज हम बात करेंगे नए मोटिवेशन वीडियो के बारे में, और जो हमारा आज का वीडियो का टाइटल होगा, जो हमारा मेन थीम होगा, वो होगा माता पिता की सेवा असली सेवा। मतलब जो लाइफ में हम चाहे किसी प्रकार के दूसरे लोगों को सेवा दें, मतलब गरीबों को, जो गरीब बंदे होते हैं उनको खिलाना, या किसी को कुछ डोनेट कर देना, कपड़े दान दे देना, किसी को कंबल दान दे देना, मतलब ये सब भी अच्छे अच्छे काम हैं, मतलब अच्छे अच्छे कर्म हैं, मतलब लेकिन आपको अपने पेरेंट्स के बारे में भी सोचना चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए। मतलब तो हमारा आज का मेन वही टाइटल है कि माता पिता की सेवा ही असली सेवा है। जैसा कि आपने महादेव में भी देखा होगा, जो गणेश भगवान जी होते हैं वो अपने मतलब शिव भगवान के पार्वती माता की मतलब सेवा करते हैं, जो उनके उनकी आज्ञा का पालन करते हैं और उनको ही अपना संसार मानते हैं। मतलब आपने देखा होगा जब का मतलब आपस में जब एक वो होता है, एक आपस में एक प्रतियोगिता होती है, तो उसमें कि कौन सबसे पहले मतलब जो मतलब ब्रह्मांड का शेयर करके आएगा, पूरे ब्रह्मांड का या पूरे पृथ्वी का शेयर करके आएगा, मतलब तो वही मतलब विजेता माना जाएगा। मतलब तो वहाँ पे बहुत सारे लोग मतलब जो देवी देवता भाग लेते हैं, जैसे मतलब इंद्रदेव होते हैं, कार्तिकेय जी होते हैं, गणेश भगवान होते हैं, तो सबके पास अपने अपने सवारी होती है। मतलब तो हर कोई कार्तिकेय जी मोर पे बैठ के निकल जाते हैं और पूरे विश्व की भ्रमण करने के लिए, मतलब पृथ्वी का, और इंद्र जी होते हैं, अग्निदेव जी होते हैं, वायुदेव जी होते हैं, सब अपने अपने जो उनकी सवार मतलब जो उनका रथ होता है मतलब उसमें बैठ के वो निकल जाता है। लेकिन गणेश जी का जो सवारी होता है वो चूहा होता है, और चूहा जो होता है मतलब काफ़ी छोटा, मतलब पुतो छोटा ही होता है, मतलब तो उनको वो कैसे मतलब पूरे विश्व का करे, तो वो लेकिन उनके पास बुद्धि काफ़ी होती है, तो उनकी उनको ये लगता है कि जो उनके पेरेंट्स हैं यानी शिव जी और पार्वती माता जी, मतलब तो उनका जो मेन जो दुनिया है वो उन्हीं के ऊपर है, उनके पेरेंट्स पर ही है। तो वो क्या करते हैं, 3 बार अपने मतलब पेरेंट्स की परिक्रमा कर लेते हैं, शिव जी पार्वती जी जहाँ बैठे होते हैं तो उनकी वो परिक्रमा कर लेते हैं, क्योंकि वो उनके अंदर ही अपना संसार देखते हैं। मतलब तो जैसा कि मैंने बताया, तो सब जब सारे देवी देवता मतलब देवी तो नहीं थी, मतलब कोई भी देवियाँ नहीं थी, लेकिन जितने भी देवता थे मतलब कार्तिकेय जी, इंद्र जी, वायुदेव जी, अग्निदेव जी और भी दूसरे जो देवता थे, जब प्रतियोगिता समाप्त होती है तो जब अनाउंसमेंट मतलब घोषणा करने का टाइम होता है, तो वहाँ पर अनाउंस शिव जी करते हैं कि जो इस प्रतियोगिता के विजेता हैं वो गणेश भगवान जी हैं, क्योंकि वो उन्होंने अपने पेरेंट्स को अपना संसार मान रखा है। तो कहना है कि मतलब हमें अपनी जो सेवा भावना रखनी चाहिए पेरेंट्स के प्रति, हमेशा रखनी चाहिए और उनकी ही असली सेवा करनी चाहिए। जैसे कि आप सभी को पता ही होगा, मतलब जब हम पैदा होते हैं, मतलब जो कोई बच्चा पैदा होता है, मतलब पैदा होने के बाद जो हमारे
मम्मी पापा होते हैं, मतलब पापा क्या करते हैं, मतलब वो कहीं ना कहीं पर जो उनकी करेंट कंडीशन होती है या जितनी भी उनकी नॉलेज होती है, मतलब वो अपने कंडीशन के हिसाब से जॉब करते हैं कहीं ना कहीं पे, और घर को संभालते हैं। मतलब हम जब छोटे होते हैं तो हमें फ्रूट्स ला के खिलाना, हमें दूध देना, हमें अच्छे से मतलब जो खाने पीने की चीज़ें होती है वो उनकी नीड्स को पूरी करना। फिर जो हमारी माता होती है, मतलब वो भी अपने छोटे होते हैं कि वो हमें नहलाते धुलाते हैं, मतलब और हमारी प्रॉपर केयर करती हैं, हमारे हमें टाइम पर हर चीज़ जो खिलाना होता है उसका ध्यान रखती है। मतलब तो मतलब वो बचपन में क्या होता है कि हम छोटे होते तो हमारी काफ़ी सेवा वगैरह करते हैं, मतलब और इस तरीके से जब वो आगे जाकर मतलब बूढ़े हो जाते हैं, मतलब तो जब छोटे होते हैं तो उनकी ड्यूटी होती है, मतलब उनका कर्तव्य होता है कि वो हमें पाल पोस कर हमारे हर नीड्स को पूरी कर कर वो हमें अच्छा पढ़ाई लिखाई करवाते हैं, मतलब ताकि जो वो अपनी लाइफ में मतलब जो अपनी लाइफ में उन्होंने दुख दर्द को या कठिनाइयों को देखा है, मतलब उनके बच्चे अपनी लाइफ में उस कठिनाइयों को नहीं देखे खेलने को, मतलब तो वो हमारे हर नीड्स को पूरी करते अच्छे से अच्छे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते ताकि मतलब हमारा बच्चा पढ़ लिख कर आगे एक अच्छा व्यक्ति बन सके, है ना। और वो अपनी खुशियों के साथ मतलब जो अपनी छोटी छोटी जो खुशियाँ होती हैं उनको भी वो पूरी नहीं करते हैं हमारी खुशियों के आगे कहने के, मतलब इस तरीके से जब वो बूढ़े हो जाते हैं तो हमारा फर्ज बनता है, मतलब कि हम उनका, क्योंकि कहा जाता है कि बच्चे ही बुढ़ापे माँ बाप का सहारा होते हैं, तो कहने मतलब ये तो हमें उनके बुढ़ापे के लिए ठीक है सहारा बनना, तो ये तो बात रही चलो मतलब या मतलब आगे जाकर हमें भी उनकी प्रॉपर केयर वगैरह करनी है, लेकिन बिटवीन जो बीच का टाइम होता है जैसे हम धीरे धीरे बढ़ते हैं, मतलब तो पेरेंट्स तो हमारी केयर करते हैं या मतलब हमारे नीड्स को पूरी भी करते हैं, तो जैसे मैंने आपको पहले वीडियो से बता चुका हूँ काफ़ी सारे कि जो 3 साल से 14 साल 13 साल तक की जो एज होती है, मतलब वो बचपन का टाइम होता है, उस टाइम हम शरारतें करते हैं, खेलते कूदते हैं, मतलब पढ़ाई लिखाई भी करते हैं, मतलब और हम उम्र के बच्चों के साथ खेलते हैं, मतलब तो लेकिन जैसे हम 14वें साल में प्रवेश करते हैं, 14 में प्रवेश करते हैं, मतलब तो हमारी जो सोचने की क्षमता धीरे बढ़ने लगती है, मतलब क्या गलत है क्या सही है वगैरह, हम हर उन चीज़ों को समझने लगते हैं। तो आपका भी उसी एज से आपको भी ये सोचना चाहिए कि जो आपके पेरेंट्स हैं, आपके माता पिता हैं, मतलब आपको उनकी सेवा करनी चाहिए, मतलब क्योंकि आप 13-14 साल मतलब पेरेंट्स भी धीरे धीरे मतलब अगर 13-14 साल में प्रवेश कर चुके हैं तो आपके पेरेंट्स भी जाहिर से 40 के आसपास हो गए, मतलब धीरे धीरे वो आगे की एज पे बढ़ रहे होते हैं। तो आपको 3-4 5 ऐसे चीज़ें बताऊँगा जिनको अगर आप अपने पेरेंट्स के लिए आप उनकी सेवा करोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा आप और योर काफ़ी अच्छा होगा आपके लिए। मतलब जैसे कि जब पेरेंट्स थक जाते हैं रात के टाइम, मतलब जैसे माता पिता होते हैं तो सोने के टाइम उनके आप पैरों को दबा सकते हैं, तो क्योंकि जब आपके पिता होते हैं बाहर जॉब करने के लिए जाते हैं तो हो सकता है स्टैंड तक पैदल जाते हों या काफ़ी चलते फिरते होंगे, मतलब तो उनका शरीर थक गया होता है, तो आप और जो आपकी माता भी होती है मतलब मदर होती है वो भी दिन भर घर में घर के सारे काम करना, दादा दादी को खाना, मतलब आपको भी खाना देना, घर के नाश्ता तैयार करना, फिर दोपहर का खाना, फिर रात का खाना तैयार करना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, मतलब बहुत सारे काम होते हैं वो डेली के होते हैं, मतलब तो वो भी थक जाते हैं, तो आपको उनके पैरों को दबा सकते हो। और जैसे ही फादर घर में आते हैं मतलब आप उनको एक गिलास पानी दे सकते हो, मतलब पानी के लिए पूछ सकते हो, मतलब दूसरी बात उनको आप चाय के लिए पूछ सकते हो, मतलब और इस तरीके से जब आप सुबह उठते हो मतलब तो सबसे पहले उठने के बाद अपने पेरेंट्स के पैरों को छूना, मतलब उनसे ब्लेसिंग लेना, जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं दादा दादी नाना नानी होते हैं उनके पैरों को छूकर उनसे ब्लेसिंग लेना, तो ये अच्छे संस्कार होते हैं किसी भी व्यक्ति के लिए। और जब उनकी ब्लेसिंग मिलती है हमें अपने सुबह के टाइम, तो उस ब्लेसिंग के थ्रू हमारी लाइफ का जो जो जितनी भी अड़चनें होती है, जितनी भी कठिनाइयाँ होती है, उसके द्वार, उसके जो बादल होते हैं हट जाते हैं और सफलता के द्वार खुल जाते हैं, कहने का मतलब। इस तरीके से जब वो खाना खाने के लिए बैठते हैं तो खाना खाने के टाइम देखना कि उनको किसी चीज़ की कमी ना हो, मतलब उनको पानी देना, उनको पूछ लेना कि मतलब जैसे पापा आपको कुछ चाहिए नहीं, मम्मी आपने खाना टाइम पर खाया कि नहीं, मतलब क्योंकि हम भी जब हम स्कूल से आते हैं, जब स्कूल लाइफ में होते हैं और जब हम स्कूल से आते हैं तो मम्मी पूछती हैं कि तुमने टाइम पर लंच किया कि नहीं, या जो सुबह 10-10:30 के आसपास जो स्कूलों में लंच का टाइम होता है, मतलब वैसे तो जो प्रॉपर लंच का टाइम होता है वो 1 या 2 बजे होता है, लेकिन एक स्कूल में भी टाइम होता है 10-10:30 जो बैल बजती है, तो मम्मी पूछते हैं कि तुमने टाइम पर खाना खा, मतलब उस टाइम लंच किया कि नहीं किया, उसके बाद आते तुम्हें कपड़े वगैरह चेंज कराते हैं, मतलब और फिर खाना आपको निकाल के देती है, मतलब तो
आपको भी उनका ध्यान रखना चाहिए, मतलब उन्होंने भी टाइम पर खाना खाया है कि नहीं, उनके हेल्थ के बारे में सोचना चाहिए। और कभी बीमार पड़ते हैं तो उस टाइम आपको कोशिश करनी चाहिए, अगर आप लड़की हो या आप लड़के भी हो मतलब, तो घर के जो दूसरे काम है जो जो आप काम कर सकते हो उसमें उनकी मदद करने की कोशिश करना या खुद करने की कोशिश करना मतलब। तो दूसरे भी कई दूसरे ऐसे काम होते हैं जैसे बाहर की चीज़ों को लेना, तो कई बार आप छोटे होते हो तो मम्मी रहती हैं बाहर सब्जी लेने के लिए, अर्जेंटली कुछ मार्केट से लाना होता है, परचून की दुकान से लाना होता है, लेकिन अगर वो बीमार पड़ रहे थे तो आपको भी उन चीज़ों को उन काम को करने की भी हैबिट डालना चाहिए कि बाहर से कुछ लेके आना, सब्जी वगैरह या परचून की दुकान से या केमिस्ट की दुकान से कुछ दवाइयाँ वगैरह लानी है, तो आपको भी उन चीज़ों की धीरे धीरे हाथ डालना। और जो भी आप काम अपने घर में कर सकते हो मतलब, और उसके थ्रू आप अपने पेरेंट की सेवा कर सको मतलब, उसको भी उस काम को भी आपको करना चाहिए मतलब। और आप वो जो भी आपको काम करने का मतलब बोलते हैं मतलब, चाहे वो मतलब जो भी आपको काम करने को बोलते हैं घर से रिलेटेड या आपको आपके लाइफ से रिलेटेड, उसको आपको करना चाहिए। क्योंकि वो जैसे मैं आपको पहले की वीडियो से बता चुका हूँ कि लाइफ में जो तीन लोग ऐसे होते हैं जो कभी भी हमारा बुरा नहीं चाहते, हमें हमेशा अच्छी राह पर ही दिखाते हैं, वो होते हैं माता पिता और गुरु, जो कि मैं इसकी पहले की वीडियो में बता चुका हूँ लोगों। तो दोस्तों ये थे मेरे आज का नया वीडियो, जिसको मैंने आपको बताने की कोशिश की कि आपको हमेशा अपने पेरेंट्स की सेवा करनी चाहिए। और अलग अलग तरह से मैंने आपको तरीके बताए, उनको पानी देना, और जब पेरेंट्स आते हैं मतलब फादर आते हैं उनको पानी देना, खाने पर उनको पानी पूछना, उनको चाय के बारे में पूछना, उनके पैरों को दबाना, सुबह उठते हैं उनकी ब्लेसिंग लेना, घर के जो रिलेटेड काम होते हैं उनको कर देना मतलब, और भी बहुत सारे काम है, अगर आप समझोगे जानोगे तो आप उसको भी कर सकते हो। तो दोस्तों ये थे मेरा आज का एक नया वीडियो, कैसे लगा आप सभी मेरा आज का नया वीडियो, लाइक एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर लिया। हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर, मैं हूं नितेश पांडे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल पर। आज हम बात करेंगे कि मैं मोटिवेशनल वीडियो के बारे में, और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको इस वीडियो के नीचे दो बटन दिख रहे होंगे, एक रेड सब्सक्राइब बटन, एक बेल वाला आइकन, दोनों को लाकर प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आप इस चैनल से कनेक्ट हो जाएं, मेरे आने वाले हर नए वीडियोस को आप देख सके, उनसे कुछ सीख सके, अपने लाइफ में ग्रोथ कर सके और अपने जीवन में एक अच्छे व्यक्ति बन सके। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा आज का नया वीडियो। आज हम बात करेंगे आलस्य का त्याग करें, हमारे आज का जो टॉपिक है वो है आलस्य का त्याग करें जीवन के अंदर। तो दोस्तों इसी टॉपिक को लेकर आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा आज का नया वीडियो। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आलस क्या होता है, आलस का हमें त्याग करना चाहिए अपने जीवन के अंदर। आलस होता क्या है पहले इसके बारे में जानेंगे। आलस होता है जब हम किसी काम को कर रहे होते हैं मतलब, तो काम करने में क्या होता है कि हमें उस काम को करने में और जैसे एक या दो घंटे लगते हैं, तो एक घंटे बाद क्या होता है कि हमें आलस आने लगता है कि मतलब अरे बहुत ज़्यादा मैंने ऐसा काम कर लिया, बहुत मेहनत कर ली, बाकी का जो पेंडिंग काम है मैं कर लूँगा। दूसरा ऑप्शन में आपको दूसरा एक एग्जांपल देता हूँ कि मान लो जैसे स्टूडेंट्स वगैरह होते हैं, ठीक है, स्टूडेंट्स के जो छोटे मतलब जो क्लासों में बच्चे पढ़ते हैं या बड़ी क्लासों में पढ़ते हैं, तो एग्ज़ाम सभी को पता होता है कि मार्च फरवरी मार्च में एग्ज़ाम वगैरह होगा, दसवीं बारहवीं के भी जो एग्ज़ाम होते हैं वो फरवरी मार्च में होते हैं, मतलब बारहवीं तक की जो पढ़ाई होती है फरवरी मार्च में होती है। और जो कॉलेज में बंदे पढ़ते हैं, जैसे कि आजकल सेमेस्टर सिस्टम चलता है कॉलेजों के अंदर, जैसे पहले साल में एक ही बार एग्ज़ाम होता था, अब क्या होता है साल में दो एग्ज़ाम होते हैं सेमेस्टर के हिसाब से, तीन साल में छः सेमेस्टर होते हैं। तो पहला सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम होता है वो हर वो किसी भी ईयर में क्यों ना वो होता है नवंबर दिसंबर में, और जो सेकंड होता है वो होता है अप्रैल मई में होता है, तो इस तरीके एग्ज़ाम वगैरह होता है। तो मैं आपको इन चीज़ों की बातें इसलिए कर रहा हूँ कि मान लो जैसे स्टूडेंट है, चाहे वो कॉलेज का हो या स्कूल का हो मतलब, तो उसको उसको पता होता है कि मतलब मेरा एग्ज़ाम तो अगले साल है इस टाइम में मतलब, या मान लो कोई क्लास हो तो एक्चुअली जो हमें हमारे जो सब्जेक्ट्स वगैरह होते हैं उसकी जो प्रिपरेशन करनी होती है, तैयारियाँ करनी होती है, तो हर सब्जेक्ट में 10-10-15-15 चैप्टर, तो हमें हर चैप्टर को रीड करना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है, फोकस करना है उसको अच्छे से, उसकी अच्छे से तैयारियाँ वगैरह करनी है। तो दिमाग क्या कहता है जब हम पढ़ने के लिए बैठते हैं, अरे जैसे दिमाग में यही एक चीज उठता है कि हम पढ़ने के लिए बैठते हैं कि अरे हम इस क्लास के अंदर हैं, हमारे ये सब्जेक्ट्स वगैरह हैं, लेकिन अभी तो अगस्त वगैरह के टाइम में जब हमारी पढ़ाई चल रही होती है तो लेकिन हमें फाइनली एग्ज़ाम तो देना ही है, मतलब अगले साल जाकर फरवरी में, या जो
बीच में एग्जाम्स वगैरह होते हैं, तो जब एग्जाम वगैरह होता है तो बच्चे खासतौर पे वो मतलब पहले से प्रिपरेशन ना करते हुए, एग्जाम के प्रिपरेशन ना करते हुए आलस को मतलब आलस को फॉलो करते हैं, मतलब आलस का मतलब जीवन में उसको अपना हैबिट बनाने की कोशिश करते हैं। मतलब कह रहे अभी तो एग्जाम को 2 महीने है, कल से कर लेंगे, फिर ऐसे कल से कर लेंगे, कल से कर लेंगे, और आलस करते हैं। फिर डेली किसी न किसी काम में बिजी हो जाएंगे, दोस्त के पास चले गए, डेली का कोई फ्रेंड हो गया, कोई फैमिली का काम आ गया, या किसी फैमिली के मेंबर के पास चले गए, तो फिर कोई और डेली कुछ कुछ ना कुछ एक्सक्यूज को देते हुए हम कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, और इस तरीके से हम अपने अंदर उस आलस को और ज्यादा बनाते जाते हैं। फिर तो फाइनल एग्जाम भी आने वाले होते हैं मान लो, तो उस हम ये बोलते हैं अरे तो 3 अभी 5 6 महीने एग्जाम में, हम कल से अच्छे से तैयारी करेंगे, हम कल से अच्छे से तैयारी करेंगे। फिर डेली कुछ ना कुछ काम करते हुए हम उसको पोस्टपोन मतलब अगले दिन पे फॉरवर्ड करते जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि भाई एकदम से लास्ट का एट 1 महीना रह जाता है और पता चलता है कि हमने तो कुछ तैयारी की ही नहीं, या हम 1 2 चैप्टर की पूरे साल में तैयारी की। फिर हम पर प्रेशर क्या होता है मतलब कि हम फटाफट हर सब्जेक्ट को पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, जल्दबाजी में उन चीज़ों को समझना स्टार्ट कर देते हैं, अच्छे से उन चीज़ों की प्रैक्टिस नहीं करते हैं, हमारा अच्छे से उन पर फोकस नहीं होता जब हम उन सब्जेक्ट्स की तैयारियां वगैरह करते हैं। मतलब तो और जब अच्छे से तैयारियां वगैरह नहीं करते हैं, अच्छे से प्रैक्टिस वगैरह नहीं करते हैं, उन चीज़ों की तैयारी करने में अपना पूरा एफर्ट नहीं देते हैं, और उन चीज़ों के लिए उन चीज़ों को मतलब अच्छे से तैयारियां करने का हार्डवर्क नहीं करते हैं, तो वो चीज़ें हमारे अच्छे से प्रिपेयर नहीं हो पाते, अच्छे से वो हमारी तैयारी नहीं हो पाते। फिर हम जो एग्जाम वगैरह होते हैं जल्दबाजी में जाकर अपने एग्जाम वगैरह देते हैं, उससे फिर क्या होता है कि हमारे मार्क्स अच्छे नहीं आते, कम मार्क्स आते हैं, या हम जितने एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम तो 70 80 या 90 ले आएंगे, उतने नहीं आते, 40 40 50 आ जाते हैं, और बाद में जाकर फिर बहुत दुख होता है कि मतलब कि काश हमने उस टाइम आलस आलस नहीं किया होता, उस टाइम आलस का त्याग किया होते, और हमने स्टार्टिंग से ही अगर उस सब्जेक्ट की पढ़ाई वगैरह की होती मतलब, तो हमें आज ये इतने हमारे कम मार्क्स नहीं आते। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी बात करूँ, तो जब मैं 12th वगैरह में था तो मेरा टारगेट था मेरे को 70 से ऊपर लेके आना है, तो उस टाइम जो मेरे सब्जेक्ट जो मेरे डिफिकल्ट लगते थे वो इकोनॉमिक्स लगते थे, क्योंकि मैं आर्ट साइड से था, मतलब मेरे को इकोनॉमिक्स होता था और हिस्ट्री होता था और पॉलिटिकल साइंस होता था, उसके अलावा इंग्लिश हिंदी होती थी, लेकिन दो मेरे 3 सब्जेक्ट थे, इन 3 सब्जेक्ट को मैं डेली मतलब शाम को आने के बाद ट्यूशन नहीं पढ़ता था, लेकिन डेली में रात के टाइम 10 से लेके 1 बजे तक डेली इन सब्जेक्ट की प्रैक्टिस करता था, उनको पढ़ता था, उनको समझता था, उनको लिख लिख कर याद करता था। देन जाके मतलब जब मैंने इस चीज को रूल को अगस्त से लेके मतलब फरवरी जब तक मार्क मेरा मार्क मेरा एग्जाम स्टार्ट नहीं हुआ तब तक मैंने इस चीज को फॉलो किया, और फिर मेहनत किया तब तो जाके मैंने 70 से ऊपर मार्क्स आए मतलब, और मेरा गवर्नमेंट स्कूल भी था मतलब, तो कहने का मतलब तो मैंने इस तरीके से स्ट्रेटेजी बनाई, प्लान बनाया, तो मैंने अच्छे मार्क्स लेके आया। तो आप लोगों को भी अगर आप इस तरीके का जैसे मैंने अपना स्ट्रेटेजी के बारे में बताया कि डेली जो आपको हार्ड सब्जेक्ट लगता हो उसको आप ज़्यादा टाइम दो, उसके उसकी ज़्यादा प्रैक्टिस करो, उस पर ज़्यादा फोकस करो, और जब हमें कोई भी चीज़ लाइफ में करना होता है किसी भी काम को, तो हमें आज मैं आपको वो 5 रूल्स बताऊंगा इस वीडियो के अंदर, जिनको अगर आप फॉलो करोगे आलस को त्यागते हुए तो आप हर उस काम में हर उस सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स ला पाओगे और उस काम में सफलता प्राप्त कर पाओगे। तो पहला हमारा रूल है वो है हार्ड वर्क। अगर आप एग्जाम वगैरह का प्रिपरेशन कर ले, चाहे वो कॉलेज का हो, स्कूल का हो, या किसी भी चीज़ का हो, हार्ड वर्क करने की जरूरत है उन सभी सब्जेक्ट्स के ऊपर। दूसरा, आप कौन चीज़ों पर फोकस करने की आवश्यकता है, फोकस आप करोगे तभी आप उस काम को हार्ड वर्क में हार्ड वर्क करके अच्छे से कर पाओगे फोकस। तीसरा, आपको अपना पूरा पूरा एफर्ट देना पड़ेगा उस काम को करने के लिए, तो आपको अपना एफर्ट पूरा पूरा देना है, प्रयास पूरा करना है। चौथा, आपको उन सब्जेक्ट्स की अच्छे से प्रैक्टिस वगैरह करते ही रहनी है, क्योंकि प्रैक्टिस करोगे तभी आप देखो कि आप कितने परसेंट ओके हो चुके हो, और प्रैक्टिस करने के बाद आप अपने को प्रैप को चेक करोगे कितने परसेंट आप ओके हो या नहीं हो, फिर जितने परसेंट आप ओके हो उसको छोड़ो, उसको अपने दिमाग में रखो, और जो बाकी का जो परसेंटेज कम है उस पर और ज़्यादा प्रैक्टिस करो। और पांचवी जो चीज़ हो सकता है इन चीज़ों को करने में टाइम ज़्यादा लगे, समय ज़्यादा लगे, लेकिन आप स्टार्टिंग से ही इन चीज़ों को फॉलो करना शुरू कर दो, पेशेंस रखो, पॉजिटिव धैर्य को रखो, तो आपको जो भी अपने सब्जेक्ट की तैयारियां वगैरह करनी है, प्रिपरेशन वगैरह करना है, इन 5 रूल्स को फॉलो करते हुए आप उन सब्जेक्ट की तैयारियां करो, उन चीज उन सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करो मतलब, तो आप देखोगे, और आलस को उस जगह पर लेकर नहीं आना है। अगर आपको आप ये दिन में मानो कि मेरे को हर सब्जेक्ट का एक एक दिन में डेली एक एक चैप्टर पढ़ना है, तो उन आपका अपनी इच्छा शक्ति को स्ट्रांग रखो, और
और उन 5 रूल्स को फॉलो करते हुए उन रूल्स को जो आपकी डेली एक्टिविटी से डिवाइड करो, प्लान बनाओ और उन चीज़ों को डेली फॉलो करो, ना कि आलस को फॉलो करते हुए, आलस को मतलब अपने आप को आलसी ना बनाते हुए, अपने अंदर आलस को त्याग करते हुए उन सब्जेक्ट्स को प्रॉपर टाइम दो। मतलब इस तरीके से जब हम कहीं जॉब वगैरह भी करते हैं तो कोई बहुत समय काम दे देता है, वो काम होता है कुछ टाइम के लिए, मतलब हमें कुछ समय में कंप्लीट करके देना हो कि 1-2 हफ्ते या 3 हफ्ते 1 महीने के अंदर, तो उसमें भी हमें कई बार ऐसा आलस आता है कि अरे बॉस ने 1 महीने का टाइम दिया है, अभी कल करें कल करें कल करेंगे, या तो इस तरीके से कल करते तो हमारे आलस आ जाता है, आलस आता है तो हम उस काम को करते नहीं है, कल पर फॉरवर्ड कर देते हैं, पोस्टपोन कर देते हैं, तो वहाँ पर भी एकदम से जब प्रेशर आ जाता है हमारे पास काम का, बॉस जो हमें काम दिया होता है, तो हम जल्दबाजी में उस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं, करने की कोशिश करते हैं, और एंड में फिर क्या होता है, उस काम में हमें अच्छे से रिजल्ट नहीं मिलता, सफलता नहीं मिलती, और बॉस भी हमें काफ़ी गुस्सा होता है, मतलब कि हमने उनको टाइम पर पूरा काम करके नहीं दिया, या वो हमसे जितनी उम्मीद कर रहे थे हमने उतने लेवल तक का काम करके उनको नहीं दिया। तो दोस्तों ये थे मेरा आज का एक नया वीडियो, कि अगर आपको जो आलस है, मतलब जो कि सुबह उठने में आलस होता है कई बच्चों को, मतलब स्टूडेंट्स को, कि सुबह जब मम्मी पानी डालती है ऊपर आपके ऊपर तब आप उठते हो, या कई लोग वॉशरूम में जाकर मतलब बैठे रहते हैं, मतलब तो सोचते हैं कि आप मम्मी ऐसे में लेट उठ जाऊँगा फिर स्कूल नहीं जाना पड़ेगा, तो सुबह के टाइम कई लोग लेट भी उठते हैं, मतलब या सुबह नींद क्योंकि सभी को आती है, तो आपको क्योंकि आप स्कूल जाना है या जॉब पर जाना है या कॉलेज जाना है, मतलब उस टाइम भी आलस आता है, मतलब तो हमें उस टाइम भी अपने आलस को त्याग करते हुए जो हमारा डेली रूटीन का काम है हमें उसको करना ही चाहिए। कहने वाला आलस जो होता है किसी भी व्यक्ति के लिए अच्छा नहीं होता है जीवन के लिए, और जीवन में हम कुछ बनना चाहते हैं उसके लिए भी जो भी आलस, अगर आप आलस का अपनाए रखोगे तो आप उन चीज़ों को कर नहीं पाओगे और आपको निराशा ही हाथ में लगेगी। तो आलस का त्याग करो और जो मैंने 5 रूल्स बताए हैं उनको फॉलो करो, जो भी आप लाइफ में आपके सब्जेक्ट्स वगैरह या जो भी आपका ड्रीम है उन पर उन चीज़ों को लेकर चलो और कोशिश करो जो भी आप बनना चाहते हो। हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक नए नॉलेज और नए मोटिवेशन वीडियो के बारे में, और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको नीचे दिए गए एक रेड सब्सक्राइब बटन पर साइड में आपको एक बेल वाला आइकन भी दिख रहा होगा, अभी जाइए उसको प्रेस करके मेरे इस चैनल से कनेक्ट हो जाइए, ताकि मैं आने वाले हर नए वीडियोज़ को आप देख सकें, उनसे कुछ सीख सकें और लाइफ में ग्रोथ कर सके और अपने जीवन में एक अच्छे व्यक्ति बन सके। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा आज का नया वीडियो। आज हम बात करेंगे कि डोंट टॉक विद फोन व्हेन यू आर वॉकिंग आउटसाइड, मतलब लाइक आप फोन को, मतलब जैसे आप बाहर कहीं चल रहे हो या कहीं वॉक कर रहे हो, मतलब तो आपको उस समय मतलब जो फ़ोन को इस टाइम यूज़ नहीं करना है, मतलब आपको टोटली उस टाइम जो आप करंट वर्क कर रहे हो, मतलब उस टाइम उसी पे प्रैक्टिस करनी है, मतलब वो सॉरी उस पर आपको फोकस रखना है, मतलब जो भी आप एक काम में कर रहे हो, कहने का मतलब जो आप रास्ते में चल रहे हो या पार्क में चल रहे हो या गली में चल रहे हो, मतलब तो जैसे कई लोग क्या होता है कि अपने हाथ, क्योंकि आज का हर समय अपने टाइम सोते हुए भी, रास्ते में जाते हुए भी, ऑफिस के अंदर भी, मतलब हर समय अपने पास फ़ोन रखता ही है, खासतौर पर स्मार्टफोन रखते ही हैं, मतलब तो कई लोग होता है जब बहुत सारे काम, मतलब अलग अलग एक्टिविटी भी कर रहे होते हैं, मतलब जैसे मान लो रास्ते में चल रहे हो उस टाइम पे और कान में ईयरफोन लगा के, मतलब जैसे वो बात करते हुए जा रहे हैं तो ऊपर ही होता है कि हाँ मैं पहुँचने वाला हूँ, मैं यहाँ पे हूँ या वहाँ पे हूँ, मतलब इस तरीके से उन लोगों को बता रहे होते हैं, तो एक्चुअली आप हम बता तो रहे होते हैं फ़ोन के अंदर, है ना, लेकिन आपको नहीं पता कि आप अभी आप रास्ते में चल रहे हो या गली में चल रहे हो या पार्क में चल रहे हो, है ना, तो इससे कई सारे चीज़ें, कई सारे प्रॉब्लम आने के चांसेस होते हैं, मतलब तो उन्हीं प्रॉब्लम के बारे में हम आज इस वीडियो के अंदर जानने की कोशिश करेंगे, आखिर वो ऐसे कौन कौन से प्रॉब्लम हो सकते हैं, मतलब तो आज हम उन्हीं प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहे हैं कि जब भी हम मतलब जब हम फ़ोन तभी यूज़ करें, मतलब जब हम किसी जगह पर निश्चिंत होकर उस काम को पूरा कर सकें, ना कि हम फ़ोन पे मतलब वॉक भी कर रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, रिप्लाई भी कर रहे हैं, मतलब कई लोग जब वॉक करते हुए बात भी कर रहे हैं और चैटिंग करते हुए रिप्लाई कर रहे होते हैं, जब लोग या तो कहीं ऑफिस से मैसेज आ रहा होता है, दोस्तों का मैसेज या किसी काम का मैसेज आ रहा होता है, तो चलते हुए पार्क में वॉक करते हुए या गली में चलते हुए रिप्लाई करने की कोशिश करते हैं, मतलब तो ऐसे कई सारे जगहों पर इस तरीके की जब हम हैबिट्स को रखते हैं तो कई सारे प्रॉब्लम्स वगैरह भी आ सकती हैं, तो उन्हीं कुछ प्रॉब्लम्स आज हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो पहली प्रॉब्लम्स ये जो होती है, मतलब
गड्ढे आने के चांसेस होते हैं। पहला जैसे मान लो आप जैसे पार्क वगैरह हो गया कहीं नहीं, बारिश के टाइम में या कहीं भी, मतलब जैसे प्रोग्रेस मतलब पार्क का मतलब निर्माण या कहीं कुछ हो गया तो कुछ ना कुछ खुदाई का काम या डेवलप का काम चल रहा होता है। आप अगर जैसे फोन लेके अगर आप पार्क में जैसे वॉक कर रहे हो मतलब, तो वॉक करते हो क्या आपका ध्यान तो, या तो फोन पे आप बात कर रहे हो मतलब, तो आपका ध्यान तो बात करते हो उस बंदे को समझाने में या बताने में, और आप नीचे की तरफ नहीं देखते हो, नीचे कोई गड्ढा आ गया, आप मैसेज में रिप्लाई कर रहे हो तब कोई, क्योंकि आप का जो ध्यान है वो रिप्लाई करने में है, उस समय कोई गड्ढा आ गया आपके पैरों की तरफ, क्या होगा आप उससे टकरा जाओगे, और जब टकरा जाओगे मतलब, तो टकराने से क्या होगा कि आप गिर सकते हो, और गिरने से क्या है कि आपका फोन भी इधर उधर हो सकता है मतलब गिर सकता है, और जब गिरोगे तो आपको चोट वगैरह भी लग सकती है मतलब। तो अगर गड्ढा आपको मिल गया मतलब, तो आप गड्ढे में गिरोगे आपको फिर शरीर में कहीं चोट लग सकती है, आपको मोबाइल भी गिर सकता है मतलब, और ये जो होगा अच्छा नहीं होगा मतलब, क्योंकि आप चोट वगैरह लगी तो वो आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा मतलब। फिर आप डॉक्टर वगैरह के पास जाओगे या किसी मलहम पट्टी करवाना कहने का मतलब। तो पहला हो गया हमारा गड्ढे वगैरह आने के चांस होते। दूसरा कहीं जगह पे जैसे आपने देखा होगा पार्क के साइड ईंट वगैरह ऐसे रखे हुए होते हैं या सेपिंग में रखे होते हैं, कहीं जहाँ पे मतलब अचानक से कहीं कहीं पर ईंट वगैरह आ सकता है कहने का मतलब, चाहे वो सड़क हो, पार्क हो, या मतलब गली क्यों ना हो। तो आप अगर चैटिंग करते हुए रिप्लाई कर रहे हैं या बात करते हुए रिप्लाई कर रहे हैं या गाना भी सुन रहे मान लो, है ना, आपका उस जो आप कर रहे हो, आप वॉक तो कर रहे हो बट आपका जो दिमाग है उस जगह पर कॉन्सेंट्रेट है, रिप्लाई करने में, मैसेज को रिप्लाई करने में, कॉल पर आपको उस बंदे को बताने में या म्यूजिक सुनने में। तो आपका अगर पैर ईंट वगैरह से आप हिट हो गए तब भी आपको गिरने के चांस होंगे, और जब गिरोगे तो फिर से आपको वही चीज़ है, आपका मोबाइल गिर सकता है, आपको चोट लग सकती है, और आपकी बॉडी को नुकसान पहुँच सकता है जो कि अच्छा नहीं होगा मतलब, क्योंकि चोट वगैरह किसी को भी लगना, क्योंकि दर्द होता है फिर मतलब, तो इससे परेशानी आना मतलब बॉडी को ही प्रॉब्लम होती है कहने मतलब। और कई, और तीसरा जो रीज़न है वो ये है कि जब हम इस तरह करते थे, कई बार क्या होता है जैसे बरसात के टाइम में या पार्क वगैरह में जैसे पानी जो वहाँ माली देख रेख करते हैं तो वो पानी डालते हैं चारों तरफ, तो कई जगह जो छोटे मोटे गड्ढे होते हैं वहाँ पानी जाके फिल हो जाता है, या बरसात के टाइम में भी जब पार्क वगैरह में बारिश होती है या सड़कों पर छोटे मोटे गड्ढे होते हैं पानी फिल हो जाता है। तो अगर आप पार्क में वॉक कर रहे हो या गली में भी जैसे रोड के किनारे फुटपाथ होता है तो वॉक कर रहे होते हैं, गली में कई लोग जिनके आसपास पार्क नहीं होता वो गली में ही वॉक करते हैं, तो अगर आप उस समय भी चैटिंग का मतलब मैसेज का रिप्लाई कर रहे हो या किसी से बात कर रहे हो, म्यूजिक सुन रहे हो, उस टाइम पे अगर आपको उसी पैर में मतलब आपका आपका जो पैर है अगर उस गड्ढे के अंदर चला गया, गड्ढे में चला जाएगा तो पैर स्लिप होगा, क्योंकि गड्ढे में पानी होगा तो जाहिर सी बात है कि आपके पैर स्लिप होने के चांसेस होंगे। अगर पैर स्लिप होगा तो हो सकता है कि आप गिरो, और आप गिरोगे तो आपके जो फोन है क्योंकि पानी वगैरह है तो इससे मतलब वो पानी वो जो आपका मोबाइल है मतलब, तो उस गड्ढे में जाके गिर सकता है, और मोबाइल गड्ढे में गिरेगा तो आपका मोबाइल डैमेज होने का चांस होगा। तो ये अभी पिछले साल एक इंसिडेंट हुआ था मेरे घर के आसपास की, पता चला मतलब किसी घर के मेंबर ने बताया कि कोई मतलब दो गली छोड़ के मतलब कोई दीदी थी मतलब, वो रास्ते में जा रही थी, किसी किसी का अर्जेंट फोन आ रहा होगा तो उसको रिप्लाई कर रही थी, लेकिन वही जब रिप्लाई करते हुए ज़्यादातर जैसे मोस्टली लड़कियाँ या लेडीज सैंडल वगैरह पहनती हैं तो बात करते हुए उन्होंने नीचे की तरफ ध्यान नहीं दिया मतलब, और ध्यान नहीं दिया तो कुछ टाइम बाद चलते हुए एकदम से गड्ढा आया, और गड्ढे में उनका पैर पड़ता है जो पानी वाला था, वो उनकी बॉडी इनबैलेंस हो गई मतलब, क्योंकि बैलेंस ही ना पाया गड्ढा आने की वजह से, और जो मोबाइल था वो हाथ से छूट के पानी के अंदर चला गया। पानी थोड़ा सा था लेकिन बॉडी तो मोबाइल तो छोटा सा ही होता है, उसमें एक बार जब पानी गया तो मोबाइल से पूरा पूरा डैमेज ही, उसको ठीक करा, और ठीक कराएंगे तो मतलब पैसे लगेंगे कहने मतलब, गड्ढे में भरा हुआ पानी के कारण आपका एक तो आपको चोट अलग लगी, उससे आपको प्रॉब्लम अलग हुई, दर्द वगैरह अलग हुआ, और जो चौथा यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हुआ होगा आपका, अगर आपने उस टाइम फोन हाथ से अगर आपके स्लिप हो गया फिसल गया तो वो कहीं पर गड्ढे वगैरह में या पानी जहाँ पर भरा वहाँ पर गिर सकता है, टूट सकता है, जिसकी वजह से आपका जो चौथा नुकसान है वो है आपका मोबाइल डैमेज हो सकता है, आपका मोबाइल ख़राब हो सकता है, जिसकी वजह से आपको उसको रिपेयर कराना पड़ेगा, उसकी मरम्मत करानी पड़ेगी जो भी मोबाइल वगैरह आपके घर के आसपास ठीक करते हैं मतलब। तो ये चौथा चीज़ होगा कि आपका जो मोबाइल मतलब मोबाइल वगैरह ख़राब होने के मतलब ज़्यादा चांसेस वगैरह होते हैं मतलब। और पांचवी चीज़ जो मैंने बताया कि कई बार मतलब ये तो चलो छोटी मोटी बात हो, कई बार इससे ज़्यादा बड़ी चोट लगने का भी खतरा होता है मतलब, जैसे मान लो कहीं अगर छोटे मोटे चोट लग गए, कई बार अगर हो सकता है कि कोई बड़ा गड्ढा मिल गया, बड़ा पत्थर आ गया,
या बड़ी ईंट आपके पैरों में लग गई तो उससे आपको चोट हो गई। और जो मैं इसमें एक खास बात है ये भी है कि कई बार पार्क वगैरह में डॉगी वगैरह बैठे हैं, जो मैं 5-6 आपको बता रहा हूँ जो प्रॉब्लम है, तो जैसे उनको भी जो डॉगी वगैरह होते हैं उनको भी साफ सुथरी जगह चाहिए होती है बैठने के लिए। आपने देखा होगा कई सारे डॉगी बैठने से पहले उस जगह आपको अपनी पूछ से साफ करके बैठते हैं ताकि वहाँ से मिट्टी वगैरह वो हटा दें और उसके ऊपर फिर वो बैठते हैं। तो कई बार वो गली किनारे बैठे होते हैं, पार्क के अंदर कहीं किसी कोने में बैठे होते हैं या सड़क के किनारे कहीं बैठे होते हैं। तो आप अगर मान लो आपने फ़ोन पर रिप्लाई कर रहे हो या मैसेज कर रिप्लाई कर रहे हो, फ़ोन में बात कर रहे हो, बिंदी को सुन रहे हो, तो बाई चांस वो आपने ऊपर आपसे ऊपर ही आपका ध्यान है मतलब नीचे की तरफ ध्यान दिया और मान लीजिए आपका पैर जो है उस डॉगी से हिट हो गया, आपका पैर उस डॉगी को लग गया, तो जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं या जो बाहर घूमते हैं वो खतरनाक होते हैं। मतलब क्योंकि मतलब अगर उन्होंने आपके थ्रू अगर आपका पैर लग गया तो आपके वो डायरेक्ट पैर को काट सकते हैं, मतलब आपके डायरेक्ट पैर को हिट के बाइट कर सकते हैं। मतलब डॉग काट वाट लेंगे तो पता ही कि डॉगी के काटने के बाद रेबीज का बीमारी होने का खतरा रहता है और उसके बाद इंजेक्शन वगैरह भी लगते हैं जो कि आपको इंजेक्शन जाके लगवाना पड़ेगा। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लगाओगे जाके जैसे दिल्ली में सफदरजंग में लगता है कुत्ते मतलब डॉगी का इंजेक्शन, तो वो तो फ्री में लगता है, हर कुछ दिन के डोज पे जाके लगवाना पड़ता है। और अगर आप आस पास किसी क्लिनिक वगैरह से लगाओगे तो उसके लिए आपको मतलब वो तो अपना फीस चार्ज करेंगे, मतलब जो क्योंकि वो तो प्राइवेट है, मतलब वहाँ पे आपको उसके पेमेंट करने पड़ेंगे अगर डॉगी ने आपको काट लिया। तो पांचवा खतरा ये था कि कई बार जो डॉगी वगैरह बैठे होते हैं आप इस तरीके से अगर हैबिट रखते हो मतलब जो कि आपको सुधारना चाहिए, मतलब तो अगर डॉगी वगैरह ने काट लिया तो उससे भी आपको खतरा होगा, मतलब रेबीज होने का खतरा है अगर आप इंजेक्शन नहीं लगवाते हो तो। और इंजेक्शन तो आपको लगाने पड़ेगा मतलब क्योंकि आपके जीवन के ऊपर वो बात आ जाती है कहने मतलब। तो वो ये आज इस टॉपिक मैंने इसलिए वीडियो बनाया कि जब भी आप डोंट यूज फोन व्हेन यू आर वॉकिंग आउटसाइड इन द पार्क इन द स्ट्रीट और इन द रोड ऑल्सो, आपको इस तरीके से नहीं करना चाहिए। और जो पांच मैंने प्रॉब्लम बताया उनके ऊपर भी आपको गौर करना चाहिए ताकि आप इन हैबिट्स को मतलब हटाएंगे तो आपको फायदा ही होगा और आपकी हर सेफ्टी थ्रूज भी आपके साथ रहेंगे। ये था दोस्तों, ये था दोस्तों मेरा आज का एक नया वीडियो इन इसके बारे में बताने के लिए सावधानियाँ वगैरह के कि आपको म्यूजिक या बात या चैटिंग फ़ोन को वॉक करते हुए जब बाहर हो पार्क में हो गली में हो या किसी सड़क के किनारे आप चल रहे हो नहीं करना चाहिए ताकि आपका ही फायदा होगा। तो कैसा लगा आपको मेरा आज का नया वीडियो लाइक एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मैं लेकिन नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ अब तक के लिए टेक केयर डियर फ्रेंड। हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं नितेश पांडे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक नए मोटिवेशनल वीडियो के बारे में। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको इस वीडियो के नीचे दिए गए आपको एक रेड सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, साथ में आपको एक बेल आइकन भी दिख रहा होगा, तो अभी जाइए और उन दोनों को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे इस चैनल से कनेक्ट हो जाएँ और मेरे आने वाले हर नए वीडियो को आप देख सकें, उनसे कुछ सीख सके, अपने लाइफ में ग्रोथ कर सके और अपने जीवन में एक अच्छे व्यक्ति बन सके। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा आज का यह नया वीडियो। आज हम जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं जीवन में समय के महत्व के बारे में, समय का जीवन में महत्व के बारे में। और इसी टॉपिक को लेकर आज के इस वीडियो में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का हमारा ये नया वीडियो। दोस्तों समय होता है टाइम, और टाइम जो होता है हर व्यक्ति को अपने जीवन में 24 घंटे का ही मिला हुआ, मतलब हर व्यक्ति को, चाहे वो काला हो, गोरा हो, लंबा हो, छोटा हो, मोटा हो, कैसा भी दिखने वाला व्यक्ति हो, चाहे मेल हो या फीमेल हो, चाहे जानवर हो या इंसान हो, पशु हो या पक्षी हो, चाहे वो पेड़ हो या पौधे हो, हर हर किसी को 24 घंटे का ही समय मिला हुआ, मतलब एक दिन के अंदर। तो जो और समय का दूसरा खास बात यह है कि समय किसी का वो वेट नहीं करता, समय किसी की भी प्रतीक्षा नहीं करता है, आपको ही समय का उपयोग करना पड़ेगा। आज हम इसी वीडियो के अंदर, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हमारे लाइफ में महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम हर कोई व्यक्ति अपने लाइफ में कुछ बनना चाहता है तो उसको समय का ही उपयोग करके अपने आप को कुछ बनाना पड़ेगा। तो इसी चीज़ के बारे में आप जानें तो स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी को पता ही होगा कि आजकल के समय में जब कोई बच्चा इस दुनिया में पैदा होता है, वो किसी फैमिली का हो, तो पैदा होने के बाद जो 1 से 3 साल तक का जो टाइम होता है, मतलब वो होता है उस एज में जो बच्चा होता है 3 साल तक वो बड़ा होता है, उसके दांत वगैरह निकलते हैं, वो
घुटनों के बल चलना सीखता है, फिर धीरे धीरे पैरों पर चलना सीखता है, बोलना सीखता है। लेकिन जब वो 3 साल का हो जाता है तो उसे बोलना, खाना पीना और चलना आ जाता है। उसके बाद क्या होता है कि भारत, हमारे देश में 2 तरह के स्कूल होते हैं, मतलब एक होता है गवर्नमेंट, एक होता है प्राइवेट। गवर्नमेंट स्कूल जो होते हैं वो 1 से लेकर प्राइमरी, फिर 6ठी से लेकर 10वीं 12वीं तक होता है। जो प्राइवेट होते हैं उनकी जो क्लासेज स्टार्ट होती हैं वो नर्सरी, KG, LKG, UKG, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। शायद आप लोगों ने भी अपने बचपन के समय में इन क्लासों में पढ़ा होगा, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो जब वो 3 साल का बच्चा पार कर लेता है तो 3 साल के बच्चे को उसे नर्सरी में डाल दिया जाता है। देन बच्चा फिर नर्सरी में जाता है, फिर LKG, फिर LKG, ऐसे करते करते आगे की क्लासों को पार करता है और पास करते हुए आगे बढ़ता है। और लेकिन जब वो बच्चा जब वो चौथी मतलब चौथे साल में प्रवेश करता है 3 साल के बाद, और चौथे साल से लेकर 13 साल तक की उम्र होती है, वो बच्चे या कोई भी बच्चा अपने जीवन में, चाहे वो मेल हो या फीमेल, वो जो टाइम होता है बहुत ही मतलब उस व्यक्ति उस बच्चे के जीवन का, बचपने का टाइम होता है। मतलब इस एज में उस बच्चे को ज़्यादातर खेलने कूदने में, हम उम्र के उसके दोस्त होते हैं, चाहे वो गली में रहते हों या स्कूल में रहते हों या क्लास में रहते हों, जहाँ भी वो उसके साथ होते हैं उनके साथ, उसको लंच टाइम में खेलने में मजा आता है, गली में तो गली में खेलने में मजा आता है। उस और खेलते हुए वो यह नहीं देखता है कि उसके कपड़ा गंदा हो रहा है, उसके बाल गंदे हो रहे हैं, कहीं चोट लग रही है, चोट भी कहीं लग जाती है तो वो थोड़े समय के लिए रोता है या थोड़ा दुखी होता है, या फिर से वो कुछ कुछ मिनट बाद फिर से अपने पुराने रूम में यानी खेलने कूदने के मूड में आ जाता है। और इस तरीके से मतलब जैसे मैंने बताया कि वो 13 साल तक के जो बचपन का एज रहता है वो तब तक ही ऐसा ही चलता रहता है। लेकिन जब वो 13 साल क्रॉस करता है तो जब वो 14 साल में प्रवेश करता है, मतलब तो वो देखता है कि जब 14 साल में वो प्रवेश करता है तो वो धीरे धीरे अपने जीवन के अंदर चीज़ों को समझना शुरू कर देता है कि नहीं, मुझे कपड़े गंदे नहीं करने हैं, कपड़े गंदे करने तो टीचर डांटेगा हमें, हमें मारेगी, उनको कपड़े धुलने में दिक्कत होगी, मतलब मेहनत ज़्यादा करना पड़ता है जब काफ़ी ज़्यादा कपड़े होते हैं मम्मी को। तो उसके अलावा मुझे एनी टाइम क्लीन दिखना है, पढ़ाई पे फोकस करना है, और ऐसे करते करते फिर वो आगे बढ़ता है तो वो 10वीं 12वीं पढ़ जाता है और ज़्यादा अपने जीवन के प्रति गंभीर हो जाता है कुछ चूज करने के लिए। और अब कॉलेज में पढ़ता है तो उस समय तक वो किसी ना किसी फील्ड में मतलब जैसे अपना करियर बनाना चाहता है, क्योंकि वो देखता है कि उसके जो दादा जी थे या नाना जी थे अपने टाइम में उन्होंने भी किसी ना किसी जगह पर पढ़ाई करके किसी ना किसी चीज़ को मतलब सीखने के बाद उन्होंने उस एरिया में, उस क्षेत्र में अपना काम किया और आगे रिटायर हो गए। और अभी मेरे जो करेंटली फादर हैं वो भी कहीं ना कहीं किसी को सीखते हुए कहीं के पे काम कर रहे हैं, किसी ऑफिस में जाते हैं या किसी बिजनेस को करते हैं। तो मुझे भी आगे आगे किसी ना किसी फील्ड में करियर को बनाना होगा या किसी ना किसी में अपने आप को डालना ही होगा या सीखना ही होगा। तो जैसे आर्थिक समय में हमारे पास बहुत सारे करियर के लिए बहुत सारे मतलब जो जिस फील्ड में हम अपना करियर बनाना चाहते हैं, मतलब तो हमारे पास कई सारे ऑप्शन अवेलेबल है, जैसे कि डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, फोटोग्राफर, एक्टर, सॉन्ग राइटर और डांसर, सिंगर। अगर अच्छी खासी बॉडी अपने हाइट पर, तो आर्मी में जा सकते हैं। उसके अलावा नहीं तो कई लोग अच्छी सी जो बॉडी बॉडी वगैरह बना के वो ट्रेनर, जिम ट्रेनर बन जाते हैं, बॉडी गार्ड बन जाते हैं। उसके अलावा टीचर, लेक्चरर, प्रोफेसर और मतलब कहने का मतलब आजकल बहुत सारे हमारे पास करियर के ऑप्शन अवेलेबल हैं। मतलब तो आपको अगर जिस भी फील्ड में बनाना चाहते हो करें, तो पहले आपको इन चीज़ों के बारे में सोचना पड़ेगा कि आपको किस फील्ड में इंटरेस्ट है, और जो भी फील्ड आपको अच्छा लग रहा हो मतलब, देन उस फील्ड को चूज करने के बाद जिसमें आप अपना करियर बनाना चाहते हो उसके बारे में डिटेल्स को निकालो, उसकी क्लासेस ज्वाइन करो, उसकी कोर्स वगैरह करो, और उसके बाद आप धीरे धीरे उसमें अपने आप को परफेक्ट बनाने की कोशिश करो। तो ये हम कैसे करेंगे, अब यहाँ पर बात आ जाती है समय के महत्व के बारे में। कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हर व्यक्ति के पास 24 घंटे का ही समय है, मतलब 24 घंटे का समय है। तो 24 घंटे में चाहे वो हर व्यक्ति हो, चाहे वो मेल हो या फीमेल, मतलब सबकी कुछ ना कुछ सिमिलर रूटीन्स होती हैं डेली की। जैसे डेली 8-9 7-8 घंटे की नींद पूरी करना, 8-9 घंटे जॉब पे रहना, फिर अगर स्टूडेंट तो 8-9 घंटे स्कूल में रहना, फिर 8-9 घंटे सोना, 1-2 घंटे स्टडी करना, 1-2 घंटे बाहर दोस्तों के साथ खेलना, मतलब तो जो हमारे 24 घंटे है मतलब दिन में, तो वो हर व्यक्ति के अपने प्रोफेशन, अपने करंट वर्क के हिसाब से डिवाइडेड है कहने का मतलब। तो मान लो हमने जो भी अपना मतलब जिस फील्ड में जिस फील्ड में हम अपने करियर बनाना चाहते हैं मतलब, तो उस चीज़ को सिर्फ सोचने से तो आपका करियर नहीं बन गया, आपको उसके ऊपर पांच, अगर आप उस सपने को, उस गोल को, या जिसमें भी अपना करियर बनाना चाहते हो, उसको अपने जीवन में अचीव करना चाहते हो, उसको प्राप्त करना चाहते हो, तो आपको 5 रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा।
पहला जो है हमारा वो है हार्डवर्क। हार्डवर्क मतलब आप जो भी कुछ सीखना चाहते हो, करना चाहते हो, प्राप्त करना चाहते हो, उसके लिए आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा। मतलब बिना हार्डवर्क किए आपको वो चीज़ प्राप्त नहीं होगी। दूसरी, आपको उस चीज़ की बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस करने के बाद ही आपको दिखेगा कि आप कितने परफेक्ट हो जाते हो। मतलब तो आप, क्योंकि बोलते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस से ही व्यक्ति परफेक्ट बनता है। तीसरी चीज़ हो गई, आप हार्डवर्क कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, आपका जो फोकस हो पूरी तरीके से उस काम पर ही। जब आप कोई भी काम किसी भी टाइम किसी भी समय पर करते हो, आपको उसमें पूरा पूरा फोकस हो। चौथी चीज़ है, जब आप तीनों चीज़ों को फॉलो करो, आपको चौथी चीज़ फॉलो करनी पड़ेगी, वो है आपका एफर्ट। एफर्ट आपका 100% होना चाहिए, उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। मतलब तो आपको हमेशा जब भी आप कोई अपना जो भी आपका लाइफ का ड्रीम है उसको आप उसका वर्क कर रहे हो, हार्डवर्क कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, फोकस रख रहे हो, तो आपको अपना पूरा पूरा एफर्ट देना है। और जो पांचवी लास्ट चीज है वो है आपका जो पेशेंस है। मतलब आपको लाइफ में धैर्य रखना पड़ेगा, अपने जीवन में धैर्य रखना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप पेशेंस नहीं रखोगे तो जब आप किसी चीज को लंबे समय तक करते जाते हो तो कुछ टाइम आपका धैर्य खो जाता है, पेशेंस खो जाता, लॉस्ट हो जाता है। फिर आप बहुत सोचते हो शायद कि ये मेरे जीवन के लिए या मैं या ये मेरे लिए बना ही नहीं है मेरे जीवन के अंदर, तो फिर आप किसी और चीज़ को ट्राई करने लगते हो। बट आपको ये नहीं पता होता कि जब आप किसी चीज़ को कर रहे होते हैं और आपको उसमें सफलता नहीं मिल रही होती है, तो आप ये आप वहाँ पर गिव अप मत। मतलब अब ये देखो कि आप कौन सी गलती कर रहे हो, क्योंकि आप अगर उस लेवल पहुंच के आप कुछ कर भी रहे हो, आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे 0 रुपये, आपको कुछ भी नहीं आता है। आप उससे भी कई सारी चीज़ों को सीख चुके होते हैं। बस हमें उस समय हम किसी ना किसी गलती को कर रहे होते हैं या कोई ना कोई मिस्टेक कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो काम करने में हमें सफलता नहीं मिल रही होती है, तो बार बार हमें वो हमें वहाँ पर निराशा हो मतलब निराश हमें उससे निराशा मिलती है। बट हमें अपने कोशिश से पीछे नहीं हटना चाहिए। तो जैसे मैंने बताया आपको, हार्ड वर्क, प्रैक्टिस, फोकस, एफर्ट एंड पेशेंस, आप इन 5 चीज़ों को फॉलो कीजिए और जो समय है उसका आप सदुपयोग कीजिए और समय के महत्व को अपने जीवन के अंदर समझिए। क्योंकि जो व्यक्ति समय का सदुपयोग करेगा और इन 5 रूल्स को फॉलो करेगा, उस जगह पर जहाँ वो जिस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहता है, जिस ड्रीम को अचीव करना चाहता है, या जिस गोल को अपने लाइफ में वो अचीव करना चाहता है, मतलब तो एक ना एक दिन उसे सफलता जरूर मिलेगी। हाँ, देरी से मिलेगी या कभी टाइम आपके कंट्रोल में नहीं, कब मिलेगी, लेकिन आपको मिलेगी जरूर। तो इसलिए आप अपने जीवन अपने जो आपको 24 घंटे दे रहे हैं आपको डिवाइड कीजिए, और जो भी आपका लाइफ का लक्ष्य है अगर आप पहचान चुके हैं उसको, तो उन 5 रूल्स को फॉलो करते हुए उस पर गौर करना शुरू कर दीजिए और स्टार्ट कर दीजिए उन चीज़ों पर मेहनत करना, प्रैक्टिस करना, हार्डवर्क करना, फोकस करना और धैर्य को रखना। तो आप देखेंगे एक ना एक दिन आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। दोस्तों, ये थे मेरा आज का एक नया वीडियो, समय का जीवन। हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी के स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं तेज पांडे। आज हम बात करेंगे एक नए मोटिवेशन वीडियो के बारे में, एक नए टॉपिक के बारे में। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको इस वीडियो के नीचे दिए गए एक आपको एक रेड सब्सक्राइब का बटन, उसके साथ में आपको एक बेल वाला आइकन भी दिख रहा होगा, अभी जाइए उन दोनों को प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरे इस चैनल से कनेक्ट हो सकें। और कनेक्ट होने के बाद मेरे आने वाले हर नए वीडियोज को आप देख सकें, उनसे कुछ सीख सकें, अपने लाइफ में ग्रोथ कर सकें और अपने जीवन में एक अच्छे व्यक्ति बन सकें। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का यह नया वीडियो। आज हम बात करेंगे कि जीवन के अंदर मतलब लाइफ के अंदर कभी भी किसी को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, मतलब किसी को भी। मतलब तो इस टॉपिक को लेकर आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कि कभी भी जैसे आपको जीवन मिला हुआ है, आपको लाइफ मिली हुई है, तो आप जैसे अपने जीवन के अंदर कभी भी किसी को कमज़ोर मत समझो, कभी भी वीक मत समझो। मतलब क्योंकि भगवान ने सबको इक्वल बनाया है। मतलब हाँ, रंग रूप हाइट वाइट अलग पतला दुबला हो सकता है, लेकिन भगवान ने सबको जीवन दिया है तो उसके अच्छे कर्म करने के लिए दिया है, अच्छे विचारों को बनाने के लिए दिया है, अच्छी सोच रखने के लिए दिया है। तो जो हमारा टॉपिक वो है किसी को कभी भी कमज़ोर नहीं होना चाहिए। तो आज मैं इस टॉपिक पर इसलिए बात कर रहा हूँ कि कई बार हमने देखा है कि मतलब जैसे कि जो जैसे मतलब जब किसी मतलब कोई अच्छा मतलब कोई बहुत ही मतलब जैसे जिम वगैरह में आजकल 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 का ट्रेंड है मतलब बॉडी वगैरह बनाना, ठीक है। तो कई लोग जैसे और या फिर रास्ते में चलते होते, मैंने देखा है कई बार कि जिन बंदों के पास गाड़ियाँ वगैरह होती हैं मतलब रास्ते में, मतलब तो जिन बंदों के पास गाड़ी होती है उनके अंदर काफ़ी वो होता है मतलब कि हम बहुत बड़े मतलब वो हैं, मतलब क्या बोलते हैं कि हम बहुत बड़े हम
बहुत बड़े मतलब एक बहुत बड़े व्यक्ति है, मतलब ये बहुत बड़े शख्स है, और जो बाहर बंदा पैदल चल रहा है, साइकिल पे चल रहा है, मतलब उसको खुद समझते नहीं है, मतलब वो इंसान नहीं। मतलब कई बार जैसे गाड़ी वगैरह में जैसे कार वगैरह जा रही होती है और सामने को साइकिल वाला आ गया, बाइक वाला आ गया, तो कार से निकल के वो मतलब बाइक वाले पे चढ़ने लगते हैं, उसको दबाने लगते हैं, क्योंकि पता था बाइक वाला ये मतलब कमजोर होगा। तो जैसे कि आप सभी पता है कि आजकल के जो हमारे समाज है, मतलब वो तीन तरह के मतलब वर्ग में है। मतलब एक होता है रिच फैमिली से जो शख्स बिलोंग करते हैं, जो हाई क्लास फैमिली से होते हैं, दूसरा होता है मीडियम क्लास फैमिली से। तो रिच फैमिली से जो लोग होते हैं उनके पास कारें होती हैं, सारे ऐशो आराम होते हैं, सारी फैसिलिटी सारी सुविधाएं होती हैं। तो मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं उनके पास अपना घर होता है, लेकिन जैसे रिच फैमिली के बंगले होते हैं, कोठियाँ होती हैं, विलास होते हैं, लेकिन जो मिडिल क्लास की फैमिली होती है उनके पास इतने बड़े घर तो नहीं होते, लेकिन अपने घर होते हैं 100 गज के, 50 गज के, 25 गज के, मतलब तो उनके पास भी मतलब बाइक कार वगैरह कहीं कहीं किसी किसी के पास दिख जाने में ज्यादातर लोग बाइक वगैरह यूज करते हैं। और थर्ड में आते हैं सिंपल फैमिली, नॉर्मल फैमिली, नॉट मिडिल क्लास। तो सिंपल क्लास होती है मतलब जिनके पास साइकिल वगैरह हो सकता है, और ज्यादातर वो जो बंदे होते हैं जॉब पर जाने के लिए मतलब साइकिल से जाते हैं, कई लोग बस पकड़ कर ऑफिस जाते हैं, जहाँ पर भी वो काम कर रहे होते हैं फैक्ट्री वगैरह में, वहां पर जाते हैं। तो हम जैसे मैंने कई बार देखा है, जब मैं कॉलेज के टाइम में जाता था मतलब, या स्कूल के टाइम में भी जाता था मतलब, और मैं अभी भी ऑफिस जाता हूँ मतलब, तो कई बार जैसे मैंने पहले भी देखा कि जब कि रास्ते में मतलब जाते वक्त कई बार बाइक वाले, जैसे बाइक वाले जो मतलब बंदे होते हैं मतलब, तो वो ना गाड़ी चला रहे होते हैं, तो अचानक से अब बाइक वाला है उसके सामने साइकिल वाला बंदा होगा, तो साइकिल वाला के सामने से आ गया मतलब, तो या कहीं लग गया उसके पीछे बाइक के पीछे। बाइकें में कई सारी रेंज होती है, मतलब महंगी महंगी गाड़ी बाइकें होती हैं, KTM हो गया, हीरो होंडा हो गया, पल्सर हो गई, करिश्मा हो गया, तो जो जिस बंदे के पास महंगी बाइक है मतलब, और वो साइकिल वाला आगे से मतलब किसी ने कुछ हिट वेट कर दिया, तो जो बाइक वाला होता है वो उस बंदे पे ऐसे मतलब गुस्सा कर देते, जैसे पता नहीं क्या कर दिया, लेकिन ये नहीं पता कि और जो इंसान अब जाम वगैरह लगा या कुछ भी है मतलब, तो मतलब गलती किसी से भी हो सकती है, और कोई जान मुझे गलती तो करेगा नहीं कहने वाला। इस तरीके से मान लो ये तो चलो बाइक और साइकिल के बीच का मतलब आपस का मतलब झगड़ा वगैरह कभी कभी देखने को मिलता है। दूसरा कभी कार वाले जो बड़े बड़े महंगे महंगे कार वाले होते हैं, और फिर कोई वहां पे बाइक वाला मतलब जैसे कमजोर दिखता है, मतलब कि कोई किसी ने पीछे गाड़ी चलाते हुए हल्का सा बाइक का कुछ लग गया, तो कार वाले निकल कर बाइक वाले पे मतलब गुस्सा करने लगेगा, या तू तू मैं करने लगे, झगड़ा वगैरह करने लगते हैं मतलब कई लोग, कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, या तुझे टूट गया है तो तुझे इसका वो मतलब जो भी मतलब मरम्मत कराने पड़ेगी, रिपेयर कराना पड़ेगा, मतलब कहने मतलब हर व्यक्ति, क्योंकि उनको लगता है कि अरे बाइक वाला है या बाइक वाला है, साइकिल वाला है, साइकिल वाले कई लोग होते हैं पैदल चलने वाला बनता है तो क्या कर ले मतलब, तो इस तरीके के मतलब सोच दिमाग में होती है कई लोगों के मतलब, लेकिन ये नहीं पता होता है हमें इस तरह की सोच रखने से कुछ मिलने वाला नहीं है। क्योंकि आप अगर आज रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं, मिडिल क्लास फैमिली से, या जिस भी फैमिली से बिलोंग करते हैं मतलब, तो आपको अच्छी फैसिलिटीज मिली है, अच्छी सुख सुविधा मिली है, तो आप जीवन में अच्छे बने और भगवान का, प्रभु का मतलब शुक्रिया अदा करो कि भगवान ने आपको ऐसी लाइफ दी है। आप उन लोगों के बारे में सोचो जो जिनकी डेली के मतलब महीने की सैलरी 5-10 हज़ार या 15 हज़ार है, कई लोग तो रेंट पे भी रहते हैं, दिल्ली जैसे सिटी में कई लोग, जैसे मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो कई जैसे लोग दिल्ली सिटी में, क्योंकि उनके पास अपने घर नहीं होते तो वो लोग रेंट पे रहते हैं, तो रेंट पे रहते हुए अपने फैमिली को चलाना, जॉब वगैरह करना, बच्चों की स्टडी करना, अच्छे स्कूल में दाखिला दे के उनकी पढ़ाई को पूरा करना, मतलब दुनिया भर के डेली के खर्चे होते हैं मतलब, तो उन लोगों पर कितना ज़्यादा प्रेशर होता है मतलब। और आप लोगों के पास तो वो लोग भी सुबह के समय मतलब अच्छे से, वो लोग अच्छे से मतलब उनका बिहेवियर मतलब जो होता है, क्योंकि वो डेली प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि चलो जैसे भी लाइफ दी है प्रभु, आपने दी है मतलब, और आप ही आगे करोगे हमारे जीवन का मतलब कल्याण करोगे। तो लेकिन जो आप जो अब बात है रिच फैमिली की, मिडिल क्लास फैमिली की, तो आप लोगों को भी अगर पता है कभी कुछ इस तरीके कुछ मतलब इंसिडेंट हो भी जाता है, कि कभी किसी साइकिल वाले का मान लो कुछ लग जाता है आपकी गाड़ी में, या बाइक वाले का, तो मतलब क्योंकि ऐसा डेली डेली तो होगा नहीं, कभी कभार किसी गलती से ही हो जाता है कहने नहीं मतलब, तो हमें उस समय मतलब उस बंदे को समझाते हुए, ना कि उसके ऊपर चढ़ते हुए, उसको डराते हुए मतलब, उसको बोलना चाहिए चलो कोई बात नहीं, जो हो गया मतलब वो हो गया, और नेक्स्ट टाइम से हम कोशिश कर रहे हैं कि हमसे ये गलती ना हो मतलब, और हम इस तरह की गलती ना करें जो कि अनजाने में हो गई। क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आज तक के टाइम में मतलब डेली सैकड़ों मतलब
सड़कों पर डेली सैकड़ों गाड़ियां निकलती हैं, जाम वगैरह लगता है, रेड लाइट वगैरह होता है, कई लोग तेज गाड़ी भी चलाते हैं, मतलब कि जल्दबाजी में ऑफिस वगैरह पहुंचना होता है। तो इस तरीके का मतलब जो आपस में मतलब इंट्रैक्शन है, या आपस में मतलब जैसे आपस में वो मतलब जैसे बोलते हैं आपस में एक दूसरे के साथ प्रॉब्लम्स क्रिएट करना, मतलब कि गाड़ी को थोड़ा सा लग गया या कुछ प्रॉब्लम हो गया या टूट गया, मतलब तो इससे मतलब इन बातों को हो सके तो वहीं पे भाईचारा से या अच्छे से या एक इंसान होने के नाते या अच्छे एक गुड ह्यूमन होने के नाते हमें सुझा लेना चाहिए, मतलब क्योंकि वो जो बंदा साइकिल चला कर गलती से आपके बाइक में लग गया, साइकिल में लग गया, तो उस बंद वो बंदा क्या भरपाई करेगा? मतलब जो बंदा डेली का महीने का 10-15 हज़ार कमाता हो तो वो क्या भरपाई करेगा? मतलब तो आप थोड़ा इंसान होने नाते सोचिए कि वो बंदा चलो गलती किया भी तो जानबूझ के तो किया नहीं होगा, अनजाने में हुई होगी, और हमें इस तरह की मतलब मेंटेलिटी अपने सोच को बनाना होगा। कई लोग होते हैं जो जिम में काम मतलब जिम में अच्छी खासी बॉडी बना के मतलब रास्ते में चल रहे होते हैं, मतलब तो कई लोग मतलब कई लोग अच्छे भी होते हैं, दूसरों की हेल्प करते हैं, जब कहीं पर गलत होता हुआ देखते हैं कि कोई बंदा किसी पे मतलब कुछ गलत कर रहा है, किसी को दबा रहा है, किसी को मार रहा है बिना किसी वजह के, मतलब कुछ गलत कर रहा है, तो वो वहाँ पे उस झगड़े को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि मतलब हमें अगर हमारे पास ताकत है या हम अच्छे अच्छे खाते दिखते हैं या हमारी बॉडी अच्छी है तो हम इन जगहों पर अच्छे काम करके उन मैटर को सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए, मतलब। और लेकिन कई लोग ऐसे भी होते हैं जो उनको लगता है कि अगर हमारे हम अच्छे खासे हैं, मतलब बॉडी बिल्डिंग मतलब, तो जो बंदा शारीरिक रूप से कमजोर है या पतला दुबला है मतलब, तो उसको दबाने की कोशिश कर देंगे। कुछ बंदे आप अच्छे खासे मतलब जब बोलते हैं जब आपका पैसे आप अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हो तो आपके दिमाग पर स्ट्रेस नहीं, आप जाके जिम वगैरह करके अच्छी बॉडी बना सकते हो। और जो बंदा सिंपल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है उसकी तो इतनी इनकम नहीं है ना, उसका इतना खान पान ऐसा है कि वो जिम पे जाएगा, वो जिम जाने का मतलब है कि आपको अपने बॉडी पे खर्च करना पड़ेगा अच्छी बॉडी बनाने के लिए, जिम जाने के साथ साथ आपको अच्छा खाना पीना ही पड़ता है। तो अगर आपने अच्छी खासी बॉडी बना रखी है तो आपका फर्ज बनता है कि आप अच्छे अपने बॉडी से किसी का अच्छा मतलब हेल्प कर दे, मदद कर दे, सपोर्ट कर दे, ना कि आप अपनी ताकत का बोलते हैं कि मतलब अच्छे अपने बॉडी बना ले तो आप उससे उसका किसी को दबाएं, किसी को डराएं, मतलब इससे क्या हुआ कि इससे कोई फायदा नहीं होगा, मतलब क्योंकि भगवान की नजरों में सभी एक समान है, और आप कुछ गलत करके या किसी को दबा के डरा के मार के या किसी को कुछ भी किसी के साथ गलत करके आप हो सकता है कि आप उसको छुपा लो या हाइड करो, लेकिन भगवान तो सब कुछ देख रहे हैं ऊपर से, मतलब भगवान की नजरों में तो कुछ भी नहीं छुपा। और बोलते जीवन के अंदर आपके जो कर्म होते हैं कर्म ही आपके साथ ऊपर जाता है, जहाँ मरने के ऊपर जाते हैं आपके, तो अगर आपके अच्छे कर्म हो तो उसका भी आपको अच्छा फल ही मिलेगा, बुरे कर्म होंगे उसका बुरा फल ही मिलेगा, धन दौलत पैसा गाड़ी बंगला सब यहीं पर रह जाता है। तो कहने वाला अगर आपको जीवन मिला हुआ है तो आप जीवन में अच्छे कर्म को करो, अच्छे इंसान बनो, किसी को भी अपने जीवन में कमजोर मत समझो, मतलब क्योंकि अगर आप किसी के संग किसी को कमजोर समझे कमजोर समझ के किसी कुछ गलत करोगे भगवान देख रहा है वो, आप भगवान आपको फिर उसका जरूर उसका फल देगा अगर आप किसी से बुरा करोगे तो। कहने का मतलब आपको हमें जीवन का अच्छा व्यक्ति बनने की आवश्यकता है, अच्छा मानव अच्छा ह्यूमन बींग बनने की आवश्यकता है, चाहे हम मतलब हम कैसे भी हों, मतलब हमें अपने आपको अच्छा बनाने की आवश्यकता है, अच्छी सोच अच्छे विचार अपनाने की आवश्यकता है, और सबके साथ अच्छा फ्रेंडशिप अच्छा भाईचारा बनाने की आवश्यकता है, तभी हम अच्छे कर्म कर पाएंगे, अच्छे बन पाएंगे, अच्छी सोच रख पाएंगे और अच्छे लोगों के साथ दोस्ती कर पाएंगे। तो ये था दोस्तों मेरा आज का एक नया वीडियो कि हमें सदैव अच्छे कर्म करना चाहिए, मतलब, और हमें जीवन में किसी को कमजोर नहीं समझना चाहिए। कैसा लगा मेरा आपको आज का नया वीडियो? लाइक एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर डियर फ्रेंड्स। हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पर। मैं हूं नितेश पांडे और आप सभी का बहुत बहुत यहां पर स्वागत करता हूं। और आज हम बात करेंगे नए
मोटिवेशनल वीडियो के बारे में। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए इस वीडियो के रेड सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिए, इसको दबा दीजिए। उसके साइड में आपको एक बार बेल वाला आइकन भी दिख रहा होगा, दिखाई दे रहा होगा, उसको भी आप प्रेस कर दीजिए। उसको प्रेस करने के बाद आप मेरे चैनल से कनेक्ट हो जाएंगे, मतलब उसके बाद आप मेरे नए वीडियोस को देख सकते हैं, उनको लाइक कर सकते हैं और उनसे आप जीवन में कुछ सीख सकते हैं और आप अपने जीवन में एक अच्छे व्यक्ति बन सकते हैं। मतलब तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का यह नया वीडियो। दोस्तों आज हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर अपने, हम जो हमारे पेरेंट्स होते हैं, हमारे माता पिता होते हैं, तो वो तो हमारे लिए कई सारी चीज़ें करते ही हैं, लेकिन हम उनका ध्यान कैसे रखें, मतलब हम अपने पेरेंट्स का ध्यान कैसे रखें, मतलब इस टॉपिक को लेकर आज हम इस वीडियो के अंदर इसके बारे में बात करेंगे। आप सभी को पता होगा कि जो मेरे हमारे माता पिता होते हैं, जो हमारी मदर होती है, मतलब सुबह उठती हैं, मतलब सुबह उठते ही नाश्ता तैयार करना, ब्रेकफास्ट तैयार करना, मतलब उसके बाद मतलब पापा के लिए, मतलब फादर के लिए लंच रेडी करना, क्योंकि लंच पैक करके ले जाना होता है, उसके बाद ब्रेकफास्ट कराना होता है सुबह के टाइम, और इसकी तैयारी करने के बाद, सबको खिलाने के बाद, उसके बाद फिर घर की सफाई पूरी करना, मतलब और फिर उसके बाद बर्तन वगैरह, मतलब उसके बाद फिर दोपहर के खाने में लग जाना, जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, मतलब दादा दी होते हैं, उनकी देख रेख करना, और ये उनके लिए जो हाउस वाइफ वगैरह है, मतलब तो उसके बाद फिर दोपहर का खाना तैयार करने के बाद दोपहर उनको खाना खिलाना, उसके बर्तन धोना, उसके बाद दो तीन एक दो घंटे का रेस्ट करके, रेस्ट क्या वो घर में दूसरे काम होते हैं कि कपड़े हैं और कभी कुछ दूसरा काम आ गया सर, मतलब एक दो घंटे, मतलब एक दो घंटे का रेस्ट मिलता है, फिर 4-5 बजे से शाम के खाने की तैयारी करना, और फिर रात तक ऐसे 7-8 बजे फिर डिनर प्रॉपर टाइम पर सबको कराना, फिर बर्तन धोना, फिर रात को, मतलब इस तरीके से पूरा उनका सर्कल होता चलता रहता है। ये तो होता है उन लेडीज़ों का जो मतलब हाउस वाइफ होती हैं, मतलब घर की होती हैं, और बच्चों का देख रेख करना, अगर बच्चा छोटा और बड़ा है तब भी उसका टाइम पर हर चीज़ की करना, मतलब और कई लेडीज हैं तो अपने मतलब स्कूल का होमवर्क भी कराती हैं, चाहे वो बच्चा छोटा हो या 8-9 साल का हो, 10-12 साल का हो, बड़ा हो रहा है तो फिर अलग ही बात है, क्या उनके होमवर्क कराने में भी उनकी हेल्प कराते हैं, मतलब और फिर जब और बच्चे बड़े रहते हैं तो फिर पेरेंट्स तो और ज़्यादा बूढ़े, मतलब और ज़्यादा एज बढ़ जाएगी, फिर वो लेकिन उनका जो काम का रूटीन होता है वो वैसा ही चलता रहता है। और जो हमारे फादर होते हैं वो दिन भर बाहर सुबह अपना ब्रेकफास्ट करके जाते हैं, फिर जॉब पर पहुँचते हैं जहाँ पर वो काम करते हैं ऑफिस के अंदर, वहाँ पर काम करते हैं, फिर दिन भर काम करने के बाद थके हारे मतलब ऑफिस से निकल कर फिर घर आते हैं, देन फिर वही 3-4 घंटे का बातचीत किया घर के मेंबर्स में, जो घर घर के अंदर मेंबर्स हैं, दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, मदर हैं, मतलब बच्चे हैं, सबके बारे में पूछा कि किसका क्या मतलब कैसा स्टडी चल रहा है, मतलब इस तरीके से फिर वो थोड़ा आते हैं मतलब, तो इस तरीके से। और कई घर ऐसे भी होते हैं जहाँ पे जो मदर होते हैं उनको भी मतलब, क्योंकि घर की जो इनकम लेवल होते हैं काफ़ी कम होती है, मतलब 10-12 हज़ार कमा रहे होते हैं, खर्चे काफ़ी ज़्यादा होते हैं, मतलब बच्चों को स्टडी कराना, राशन का, बिजली का, पानी का, दुनिया भर के दूसरे दवाइयाँ का, मतलब तो इस तरीके के खर्चे होते हैं, तो एक बंदे की इनकम से वो पूरा नहीं हो पाता है, तो उस जगह पर क्या होता है, जो मदर होती है मतलब उनको भी बाहर जाकर काम करना पड़ता है, मतलब अपने क्वालिफिकेशन या अपने नॉलेज के हिसाब से, तो इससे कम क्या होता है कि मदर फादर मतलब पेरेंट दोनों को बाहर जाकर जॉब करना पड़ता है, और फिर शाम के टाइम वो थके हारे आते हैं, फिर घर में आते हैं उनको फिर काम करना पड़ता है सुबह के टाइम, फिर तो इस तरीके से क्या होता है, जो हमारे पेरेंट्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा मतलब उन पर वर्क होता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा उनके ऊपर जिम्मेदारियाँ होती हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, मतलब और उनको उनके सबसे ज़्यादा जो उनकी जो जिम्मेदारी होती है हमारे लिए, उनको होता है हमें मतलब अच्छा जीवन देना, एक भविष्य के लिए अच्छा जीवन, मतलब अच्छा जीवन प्रदान करना, उसके लिए वो हमें अच्छी स्टडी कराना चाहते हैं, तो इस तरीके अच्छी स्टडी कराने के लिए अच्छे स्कूल में डालते हैं, भले वो अपने खुशियों के साथ अपने इच्छाओं के साथ समझौता क्यों ना कर ले, क्योंकि आजकल के टाइम में आप सभी को पता है जो प्राइवेट स्कूल होता है काफ़ी ज़्यादा उसमें फीस वगैरह हो गई या किताबें हो गए या कॉपी की, आजकल के टाइम में स्टडी काफ़ी महंगी हो गई, मतलब और सब बहुत मुश्किल होता है आजकल के टाइम में बच्चों को मतलब अच्छे से शिक्षा दिला पाना, तो कहने वाला पेरेंट्स जो होते हैं वो अपनी इच्छाओं को दबाकर पहले अपने बच्चों की नीड्स को पूरी करते हैं, ताकि मतलब जो बच्चे की ज़रूरतें हैं वो पहले पूरी हैं और वो अच्छा अपने जीवन में स्टडी प्राप्त कर सके, तो ये और फिर अच्छे बच्चे को अच्छी खाना
मतलब अच्छा खान पान खिलाना, फल फ्रूट खिलाना, दूध पिलाना, अच्छे स्टडी कराना, अच्छे कपड़े पहनाना, मतलब सारी जिम्मेदारियां उनके कंधों पर होती हैं। तो ये तो हो गया उनकी जिम्मेदारी, उनके बारे में हमने बात की। अब क्या है कि हम उनका ध्यान कैसे रख सकते हैं, क्योंकि वो हमारा इतना केयर करते हैं, हमारे बारे में इतना ज़्यादा सोचते हैं, हमें अच्छा बनाने की कोशिश करें, तो हम भी उनकी कई तरह से केयर कर सकते हैं अपने पेरेंट्स की। जिसमें से कुछ चीज़ें मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ, जिनको आप अगर फॉलो करो तो आप भी अपने पेरेंट्स का ध्यान रख सकते हो, अच्छे से उनकी केयर कर सकते हो। ये हमारा फर्ज बनता है। मतलब तो पहला जो मैं आपको अपना मतलब उनके प्रति अपना आपको अपना फर्ज बताता हूँ, वो यही होगा कि मतलब जब मतलब क्या बोलते हैं, जब उनका सोने का टाइम आता है, जब वो सोते हैं, तो आप क्योंकि दिन भर वो काम करते हैं, मतलब तो उनके पैरों में हो सकता है काफ़ी दर्द हो, काफ़ी मतलब उनके सर में काफ़ी तनाव हो, मतलब तो उनको आप पैरों के दबाकर मतलब उनको उनके मतलब उनके पैरों को आराम दे सकते हो। जैसे कि बचपन में हम जब हमारे पैरों में दर्द होता था तो भी हमारे पैरों को दबाते थे, मतलब ताकि हमारे पैरों को आराम मिल जाए। तो आप उनके पैरों को दबाकर उनका दर्द को, उनके जो पैरों में थकावट, उसको खत्म कर सकते हो, और इस प्रकार से आप उनकी सेवा भी कर सकते हो। दूसरा, सर में भी काफ़ी उनको स्ट्रेस होता है, काफ़ी टेंशन होती है, तो आप प्यार से उनके सर सर को भी हल्के हल्के हाथों से उनके सर को दबा सकते हो, चाहे वो फादर हो या मदर हो। इससे क्या होगा कि उनको काफ़ी रिलैक्स फील होगा। तीसरा जो क्या होता है, अगर जैसे आजकल काफ़ी सारे तेल वगैरह आते हैं दिमाग को ठंडा रखने के लिए, जैसे नवरत्न तेल हो गया या हिमगंगा तेल हो गया, जो जनरल स्टोर जनरल परचून की जो दुकानें होती है वहाँ मिल जाती है। आप उनके सर पर ठंडा तेल रखकर उनके सर की मालिश कर सकते हो, मतलब अच्छे से मसाज कर सकते हो, ताकि उनके दिमाग को शांत मिले, दिमाग उनका शांत रहे। चौथी जो चीज़ है, जैसे वो मान लो अगर वो जैसे अगर मान लो आपकी मदर हाउस वाइफ है, मतलब तो जैसे वो आपके खाने का ध्यान रखते हैं और आप बच्चे, तो आपको भी उनको उन्होंने टाइम पर खाना खाया कि नहीं खाया, और अपना अगर उनको कोई जैसे बीमार पड़ रहा है तो उन्होंने टाइम पर मेडिसिन लिया कि नहीं लिया, टाइम पर दवाई खाया कि नहीं खाया, वो प्रॉपर अपने शरीर को रेस्ट दे रहे हैं कि नहीं दे रही हैं, मतलब आपको भी उनके इन चीज़ों का ध्यान रखना ही पड़ेगा। और जैसे और पांचवी चीज़ क्या है कि जब आपके फादर मतलब अब जॉब से काम करके घर में आते हैं, तो आते ही एक्चुअली ज़्यादातर लोग क्या किस चीज़ की डिमांड करते हैं, पानी की डिमांड करते हैं, उसके बाद चाय की डिमांड करते हैं, देन उसके बाद खाना वगैरह खाते हैं, रात का जो भोजन होता है डिनर होता है। तो जैसे ही वो आते हैं, आप उनको सबसे पहले पानी के लिए पूछ लिए कि अब क्या बोलते हैं कि पानी पानी ला के देते हैं, उसके बाद उनको मैं पानी ला के देता हूँ, या फिर उनको उनको और चाय बनाकर दीजिए, जो ताकि उनका जो दिमाग का स्ट्रेस लेवल है वो कम हो सके। और उसके बाद जब खाना खाने के टाइम हो, तो प्रॉपर तरीके से उनको खाने के बारे में पूछना, और खाने का पूरा जो होता है मतलब जो भी चीज़ चाहिए होता है, पानी हो गया, पानी की बोतल हो गई, खाना हो गया, आप उनको प्रॉपर तरीके से अच्छे से खिलाइए, आप उनकी केयर कीजिए। मतलब क्योंकि वो जिस तरीके से जब वो आपके अच्छे से केयर कर रहे हैं, आपके हर खुशियों के प्रति, हर जरूरतों के प्रति आपका ध्यान रख रहे हैं, मतलब तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप भी मतलब उनका प्रॉपर तरीके से ध्यान रखें, उनका प्रॉपर तरीके से केयर करें, और अपने जो आपके पेरेंट्स हैं, अपने आपके मतलब जो माता पिता हैं, उनका अच्छे तरीके से आप उनका ध्यान रखते हुए उनकी प्रॉपर तरीके से केयर करें। मतलब तो आप उनके बच्चे हैं, आप उनके मतलब किड हैं, मतलब तो आप सभी का ये फर्ज बनता है ये कि जिस तरीके से माता पिता आपका ध्यान रख रहे हैं और आपकी हर इच्छाओं को पूरा कर रहे हैं, अपनी जरूरतों को उतना महत्व ना देते हुए, आप भी उनकी जो सोच है, आप उनका जो मतलब एक सोच है अपने बच्चे को भविष्य में अच्छा बनाने की, आप उनकी उस इच्छाओं पर अच्छी उनकी सोच पर आप अपने आप को अच्छा बनाने की पूरी पूरी कोशिश कीजिए, और आप उनके विचारों पर उनकी मतलब जो मेहनत है उसको उनके विचार उनकी मेहनत को मतलब व्यर्थ न जाने दीजिए, और पूरी मेहनत करते हुए अपने जीवन में एक अच्छा व्यक्ति बनिए, ताकि आज वो अपने जो भी कंडीशन में काम करके आपको पढ़ा लिखा रहे हैं, आपको किसी काबिल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो जब वो ओल्ड होंगे तो आपको उनकी लाठी का मतलब बोलते हैं बुढ़ापे के लाठी का सहारा बनना, मतलब तो आपको भी उनका आगे रखकर, क्योंकि जब आप और ज़्यादा यंग एज में पहुंचेंगे तो उनकी और ओल्ड एज हो चुकी होगी, तो आपको उनको उनका प्रॉपर तरीके से ध्यान रखना पड़ेगा, प्रॉपर तरीके से केयर करना पड़ेगा। तो आपको उनकी इच्छाओं पर, उनके विचारों पर, उनके सपनों पर खरा ही उतरना होगा, और उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको अच्छा व्यक्ति बनना पड़ेगा जीवन में। तो ये था दोस्तों मेरा आज का एक नया वीडियो कि
कि आप किस तरीके से अपने पेरेंट्स का ध्यान रख सकते हैं, मतलब और जो मैंने आपको तरीके बताए उन चीज़ों को फॉलो, उन नियमों को, उन स्टेप्स को अपने लाइफ में लाइए, उन हैबिट्स को अपने जीवन में उतारिए और अपने पेरेंट्स का ध्यान रखिए। मतलब जिस तरीके से आप अच्छा काम कर पाएंगे और अपने माता पिता की सेवा भी कर पाएंगे। आशा करता हूँ कि आप सभी को मेरा आज का नया वीडियो पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर डियर फ्रेंड्स। हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नितेश पांडे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल पर। आज हम बात करेंगे मतलब एक नए मोटिवेशनल वीडियो के बारे में, एक नए नॉलेज वाले वीडियो के बारे में। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पर आ रहे हैं, आपको इस वीडियो के नीचे रेड सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसके साथ में आपको एक बेल वाला आइकन भी दिख रहा होगा। अभी जाइए और आप दोनों को प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरे इस चैनल से कनेक्ट हो सके, मेरे आने वाले हर नई वीडियोज को आप देख सके, उनको कुछ सीख सके, अपनी लाइफ में ग्रोथ कर सके और अपने जीवन में एक अच्छे व्यक्ति बन सके। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का यह नया वीडियो। हमारा आज का जो वीडियो है, हमारा आज का जो टॉपिक है, वो यह है कि मदद करो तो एहसान मत जताओ। मतलब जैसे इस टॉपिक को लेकर मतलब आज हम बात करेंगे, उसको डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। क्योंकि जब आप किसी की मदद करते हो, हेल्प करते हो, उस जगह पर हमें एहसान नहीं जताना चाहिए, मतलब ये दिखावा नहीं करना चाहिए कहने का मतलब। तो जैसे क्या बोलते हैं, तो हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं आज के हमारे इस वीडियो में। तो दोस्तों, आजकल जैसे कहते हैं ना कि जैसे आजकल हर चीज़ सोशल मीडिया के थ्रू हो रहा है। फिर आजकल हमारे पास कई सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम अपने टैलेंट को दिखाते हैं, अपने स्किल को दिखाते हैं, अपने नॉलेज को किसी के थ्रू मतलब बताने की कोशिश करते हैं। क्योंकि आजकल हर व्यक्ति के अंदर टैलेंट होता है, ये मतलब ज़रूरत है, तो उसको आइडेंटिफाई करने का, पहचानने की ज़रूरत है और पहचान कर उसको अपने प्लेटफॉर्म्स के थ्रू दिखाने का। जैसे आजकल वैसे पहले टिकटॉक वगैरह था जो कि अब बैन हो गया है मतलब, तो उसके अलावा आजकल बहुत सारे इंडियन ऐप्स भी आ गए हैं, मतलब जैसे जोश हो गया, मौज हो गया या स्नैक हो गया, जहाँ पर बहुत सारे बच्चे या यंगस्टर जो होते हैं अपना स्किल दिखाते हैं, अपना टैलेंट वगैरह दिखाते हैं। उसके अलावा यूट्यूब भी है, फेसबुक भी है, इंस्टाग्राम भी, जहाँ पर लोग एक्टिव रहते हैं और दिखाते हैं। तो आजकल एक्चुअली क्या है कि लोग बहुत ज़्यादा जैसे आजकल हेल्प करने के तो बहुत सारे तरीके होते हैं। मतलब जैसे कई लोगों को लगता है सिर्फ पैसे से हेल्प हो सकती है, लेकिन मैं कहता हूँ कि पैसों के अलावा और भी कई तरह से हम किसी व्यक्ति की हेल्प कर सकते हैं। मतलब जैसे जैसे अगर किसी के पास नॉलेज हो, मतलब मान लो कोई बंदा ट्यूशन वगैरह पढ़ाता है बच्चों को, ठीक है, तो वो फीस लेता है, अपने ट्यूशन फीस लेता है जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट होते हैं। तो वहाँ पे क्या है कि मान लो कोई गरीब बच्चा है मतलब, जो आपके फीस को अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो आप क्या है कि आप उससे मतलब, तो वहाँ पे आपको तो उसको पैसे नहीं देने हैं। आप अगर उसको मान लो अगर 50 बच्चों में अगर आप किसी एक बच्चे को फ्री में ही पढ़ा दोगे मतलब, तो उस बच्चे का भविष्य बन जाएगा, वो अच्छे नंबर से पास हो जाएगा, आपको दुआएं देगा कहने का मतलब। तो कहने का मतलब आपको इस तरीके से इसके बंदे की हेल्प कर देनी चाहिए मतलब। और जब हेल्प कर दिया मत, उसको शो मत करो कि मैंने क्या बोलते हैं, मैंने इस बच्चे को पढ़ा दिया या मैंने इस बच्चे को ये हर सब्जेक्ट पढ़ाया जिसकी इतनी फीस होती है, मतलब दिखावा नहीं करना या वीडियो बना के शेयर नहीं करना मतलब। क्योंकि फिर इससे वो फिर वो क्योंकि आप किस तरीके से शेयर करते हो, तो एक जो बंदे इस बच्चे की मदद भी कर रहे होते हैं मतलब, उसको भी एक अजीब सा फील होता है कहने मतलब। वो आपका वीडियो बनाओगे, आपसे आपको बोलेगा भी हाँ थैंक यू वगैरह जो भी मतलब। बट इस तरीके का मतलब आप किसी मदद करके और दोस्ती आप किसी को अब बोलो कि अब मेरे बारे में बताओ या दिखाओगे मतलब कि ये मैंने इसकी मदद की, मैंने इसको इतने महीने का फीस नहीं दिया वगैरह, तो आप उसको डायरेक्टली मदद कर सकते थे मतलब, इसको दिखाने की जरूरत है। कई लोग किसी को उसको मतलब कुछ सामान खिलाते हैं, या जो फुटपाथ पे या कहीं पे बैठे होते हैं गरीब बंदे होते हैं या बच्चे होते हैं, तो आप किसी को 10 रुपये देंगे तो उसके संग वीडियो बना लेंगे कि मैं इसको 10 रुपये दे रहा हूँ, या किसी को राशन का कुछ सामान देंगे, खाने का कुछ सामान दे देंगे, तो वीडियो बना कर उसको शेयर करेंगे कि मैं ऐसा कर रहा हूँ, वैसा मैं इतना बड़ा भलाई का काम कर रहा हूँ कहने मतलब। तो मतलब आप मदद कर रहे हो, अच्छी बात है मतलब, भगवान इसका आपको फल देगा बोलते हैं, अच्छे कर्म आप कर रहे हो मतलब, तो भगवान आपको उसकी मदद भी कर, आपको उसका फल भी देगा और आपको आपके काम की सराहना भी कर रहे हैं मतलब। क्योंकि कोई देखे ना देखे भगवान ऊपर से देख रहे हैं मतलब, कि आप अच्छे कर्म कर रहे हो मतलब। लेकिन आप जब अच्छे कर्म कर रहे हो, किसी की हेल्प कर रहे हो मतलब, किसी को
कुछ राशन का सामान देके, किसी को ब्रेड का पैकेट दे, किसी को बिस्कुट का पैकेट देके, आप उसके संग दो तीनों की वीडियो बना ले रहे, मतलब उसको शेयर करो कि मैंने बिस्कुट का पैकेट दिया, मैंने राशन का सामान दिया, मैंने ये दिया वो दिया, मतलब अच्छे कर्म कर रहे हो। उसको आप बोलते हैं नेकी कर दरिया में डाल, नेकी अच्छे कर्म करो उसके दरिया में डाल दो, कहने का मतलब सब आपको भगवान उसका अच्छे कर्म का फल देंगे, कहने का मतलब। क्योंकि आप जैसे कहीं ना आप दिखाया गया है कि मतलब जैसे कि आप किसी ने आपने किसी को गांव वगैरह में दिखाया, मैंने कहीं पर देखा कि किसी को मतलब कुछ राशन का सामान दिया, आलू प्याज और चावल वगैरह दिया, आपके संग वीडियो बना के मतलब या फोटो लेके, तो मतलब कहने मतलब वो भी एक थोड़ा सा और फील होता है, कहने का मतलब मदद कर रहे हो अच्छी बात है, लेकिन उस बंदे को मतलब और फील होता है, मतलब एक अजीब सा फीलिंग होता है। मदद कर रहे हो तो करो, और उसके बारे में मतलब प्रमोशन नहीं करो, कहने का मतलब है ना। जैसे मैं भी कभी कभी जैसे जैसे गली में डॉगी वगैरह दिख जाता है तो उन्हें रस खिला दिया, तो क्या मतलब डॉगी वगैरह रस खिला दिया, गाय को ब्रेड खिला दिया मतलब, या कोई गरीब उसको पैसे दे दिया मतलब, तो हर जगह मतलब कहीं कहीं आपको लगता है इंटरेस्टिंग तो बना लिया, बट ऑलवेज अच्छा नहीं लगता कहने का मतलब। तो आप ऐसे जगह पर मतलब आप मदद करो अच्छे से मतलब, लेकिन उसको ज्यादा दिखाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे और जैसे मैंने बताया कि पैसों से, पैसों के अलावा और कई जगह मतलब और कई तरह से हम हेल्प कर सकते हैं मतलब। जैसे रास्ते में कोई गरीब बंदा है, रास्ता क्रॉस नहीं कर पा रहा है, तो आप उसको रास्ता क्रॉस करते मतलब करा सकते हो, और साइड में लाके उसको जहाँ पर भी जाना था बस स्टैंड पे चढ़ा सकते हो। तो कई लोग रास्ता क्रॉस करा रहे हैं तो दिखा रहे हैं कि हमने उस बंदे को रास्ता क्रॉस करा दिया मतलब, और उसको बस में चढ़ा दिया। मैंने भी ऐसे ऐसे कई बार किया है मतलब। जैसे मैं कॉलेज में जाता था तो कई बंदे मेरे कॉलेज में सारे ब्लाइंड स्कूल कि मतलब जो ब्लाइंड होते थे वो आते थे पढ़ने के लिए, उनके लिए अलग से सीट होती थी हमारे क्लासों के अंदर। तो हमने भी कई बार उन बंदों को चढ़ाया है मतलब, उनको अपने कॉलेज तक लेके, उनको फिर उनको उतारा भी है और कॉलेज के अंदर लेके भी गए मतलब। तो कई लोगों को रास्ता पार करा दिया, या कई लोग हैंडीकैप होते हैं मतलब उनको भी मतलब सपोर्ट दे दिया। तो कई लोग सपोर्ट का वीडियो बना के डाल देते कि हमने इसको सपोर्ट मतलब हाथ, सिर्फ हाथ का सपोर्ट दे दिया उसको। तो इस तरीके से मतलब आप अच्छे काम तो कर रहे हो मतलब, लेकिन इस तरीके से शो करने की मतलब प्रमोशन करने की जरूरत तो नहीं है। आपके जैसे मैंने बताया कि आप अच्छे कर्म कर रहे हो तो भगवान आपको आपके अच्छे कर्मों का फल जरूर देगा मतलब, और आप अच्छे कर्म करते जाओ और फल की चिंता मत करो। और तो कहने का मतलब यही है कि मदद तो करो, लेकिन आप उस व्यक्ति पे, और कई लोग फिर और जैसे आठ मदद कर देते हैं कुछ खिलाफ मतलब, जैसे क्या बोलते हैं जब उस बंदे को प्रॉब्लम होती है तो उसको उस मदद कर देंगे, चाहे वो पैसे से हो चाहे किसी चीज से हो मतलब। बाद में कई लोग उसको जब मालूम दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है मतलब आपस में, या कुछ मन मुटाव हो जाता है आपसी मतलब, दोस्तों के बीच में भी कई बार होता है, तो आपस में मतलब पुरानी चीजें याद रहने लगती है कि मैंने तेरे पे इतना पैसा स्पेंड किया, या मैंने तेरे इस वक्त में मदद की, या मैंने तेरे इस वक्त हेल्प की जब तेरे पास कुछ भी नहीं था, ये वो मतलब दुनिया भर के जो मतलब दुनिया भर के जो चीज उसके संग किया होता है, शेयर किया होता है, हेल्प किया होता है, मदद किया होता है, उसके काम में उसकी देख रेख की होती है मतलब, वो सारे बखान वहाँ पर उस टाइम उसके मुंह से निकलने लगता है। तो मतलब इस तरीके मतलब आपने पास्ट में एक तो आप किस बंदे की हेल्प की, लेकिन उस हेल्प का फिर क्या फायदा है, आप उस चीज का एहसान उस पर जताने लगते हो मतलब। मदद में एक बात कही जाती है मतलब कि जब अब हम मदद करते हैं मतलब, किसी बड़े बुजुर्ग ने कहा या किसी ज्ञानी व्यक्ति ने कहा है कि जब हम मतलब मदद करते हैं तो हम मदद इस तरीके से करो कि आप मतलब बाएं दाएं हाथ से मदद करो तो बाएं हाथ को पता ही ना चले, मतलब मदद इस प्रकार की होनी चाहिए कि आप रास्ते में कोई गरीब बैठा हुआ है फुटपाथ के किनारे, पैसे दे के आगे निकल जाओ मतलब, ताकि आपने दिया और निकल गए, किसी को पता ही नहीं चला। और आप बोलते हैं कि मदद किया और किसी को बाएं हाथ को भी पता नहीं चला, ब्रेड का पैकेट दे दो, खाने का चीज दे दो, बिस्किट का पैकेट दे के निकल जाओ आगे मतलब। अब ना कि बिस्किट का पैकेट दिया, हाँ आप हो, ये लोग वीडियो बना लेते हैं, ये लोग आपको दिखाते हैं ये वो मतलब, तो इस तरीके से मतलब करने में वो होता। हाँ लेकिन जैसे आजकल कई सारे लोग जैसे बाबा का ढाबा, या जो गरीब बंदे मतलब जो छोटे मोटे बिजनेस कर रहे होते हैं, लेकिन उनके बिजनेस में कोई आ नहीं रहा होता है, उस तरीके से जो मतलब हम अगर सपोर्ट करते हैं इस चीज को, तो वो एक काम सराहनीय है मतलब। क्योंकि जब मीडिया मतलब पब्लिक ज्यादा से ज्यादा उस वीडियो को देखेगी मतलब, तो जो उस बंदे का उस जहाँ पे उस बंदे का बिजनेस है, तो जो उस बंदे के आसपास के जो लोग देखेंगे तो वहां पे वो लोग पहुंचेंगे उसके उसके बिजनेस में, उसकी चीजों को लेंगे। जैसे बाबा का ढाबा था, पहले लोग नहीं आते थे, लेकिन जब वीडियो को देखा तो लोग कस्टमर पहुंचने लगे। कई सारी बूढ़ी औरतें होती हैं जो सड़क के किनारे मतलब चीजों को बेच रही होती हैं, या खाना बना के खिला रही होती हैं मतलब,
वहाँ पे कस्टमर ही नहीं आते हैं या लोगों को पता नहीं होता किस तरीके की कोई सर्विस हमें दे रहा है, मतलब लंच लंच की या डिनर की या सुबह के ब्रेकफास्ट की। तो लेकिन इस तरीके का आप कुछ वीडियो बना के शेयर करते हो सोशल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, जैसा कि पहले नहीं हुआ बाबा का ढाबा हुआ और दूसरे बहुत सारी चीज़ें हुई, मतलब मैंने जो फेसबुक पर देखता रहता हूँ अलग अलग लोगों की पेजेस पे, तो वो एक प्रकार का सराहनीय काम है। बट जो मतलब हेल्प होता है छोटे मोटे बिस्किट का पैकेट ब्रेड का पैकेट 10 रुपये दे देना या मतलब इस तरीके की चीज़ों को हमें मतलब आप मदद करो, लेकिन हमें उस चीज़ का उस व्यक्ति के साथ मतलब फोटो बना के वीडियो बना के एहसान नहीं दिखाना चाहिए और अपना शो नहीं शो ऑफ नहीं करना चाहिए, मतलब दिखाना प्रमोशन नहीं करना चाहिए उस चीज़ का, क्योंकि एक अच्छी हैबिट होगी। मतलब ये था दोस्तों मेरा आज का एक नया वीडियो, हमें मदद कर रहे हैं तो हमें उसके संग सीखना था शो नहीं करना चाहिए, मतलब वो मदद करो तो ऐसा करो कि हमें दाएँ हाथ से करो तो बाएँ हाथ को भी पता ना चला। तो दोस्तों ये था मेरा आज का एक नया वीडियो, मदद करो तो उसका एहसान मत जताओ और ये एक अच्छी हैबिट भी होगी। तो कैसा लगा आप मेरा आज का ये नया वीडियो, लाइक एंड कमेंट कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर डियर फ्रेंड्स।